बहुत खुश था मैं एक में कि गुड, आज सबसे तगड़ी फैन फॉलोइंग बैरवान की है। एक आदमी है मेरे पास में, वो मेरा स्टूडेंट है, गुड, बट ही स्टेज इन कानपुर एंड ही सेड कि सर मुझे आपके आसपास ही रहना है। ही इज डिस्पोज्ड ऑफ एवरीथिंग इन कानपुर, हिज पेरेंट्स एंड दे शिफ्टेड, ही इज स्टेइंग नेक्स्ट डोर हियर। दिस इज माई अचीवमेंट। एटलीस्ट कितने अकेडमी जो कह रहे हैं कि वो बंदा दूसरे अपना स्टेट से छोड़ के आ गया उसके सामने, नो, मेरे पास में है ऐसे प्रोडक्ट एग्जाम्पल्स, आई गॉट सो मेनी एग्जाम्पल्स लाइक दिस। सो मैंने शुरू वो किया था, आई लैंडेड अप डूइंग दिस एंड अभी आई डू मेंटोरिंग एंड मजा आ रहा है यार, गजब मजा आ रहा है। एंड वहां पे भी इट वॉज गुड। मैं उस समय में उतने सर, टाइम पे मतलब लोग जो बोलते हैं ना सर ऑपरेशन के बारे में बताओ यार, अगर मैं आपसे काउंटर सवाल करूं और मैं पूछूं उन कैंडिडेट से कि मैं बेटा आप ये बताओ कि 24 घंटे में आपने क्या किया, बहुत बड़ी तादाद ऐसी निकलेगी जिन्होंने घर के बेसिक बुनियादी काम भी नहीं किए होंगे 24 घंटे में। मम्मी ने बोला होगा बेटा ये कर दो, मम्मी टाइम नहीं है, मम्मी मैं थोड़ा बिजी हूं, और इस टाइम लगा होगा मैं उधर जा रहा हूं दोस्त के पास में, वो घर की अपने काम नहीं कर सकता, अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी नहीं दिखा रहा है, बट जाना है सिर्फ में यार, मैं अपने से पहले अपने बंदों के बारे में सोचता हूं, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक किसी ने पूछा सर वो जीटीयू में कई बार वो बोलता है सर आपको टास्क में आगे होना चाहिए पीछे होना चाहिए, मैं इसमें कंफ्यूजन क्या है, बोला नहीं सर वो कहते हैं एज ए लीडर है ना यू शुड लीड, या फिर तुम यार खतरे में डाल दिया बंदों को, तुम्हें तो पीछे जाना चाहिए सबको ले जाके। मैं सुन, दिस इज ऑल थ्योरी टू टेस्ट योर पेशेंस, यू शुड बी योर क्लियर माइंड। मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल इफ यू आस्क, अगर मैंने एयरक्राफ्ट के बाहर जंप करनी है देन एज ए कमांडिंग ऑफिसर आई वॉज वेरी क्लियर आई शुड ऑलवेज बी द फर्स्ट वन, हवाई जहाज से कूदने वाला पहला बंदा मैं हूंगा, बट उसी हवाई जहाज में अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और बाहर कूदना है, देयर इज सम प्रॉब्लम, देन आई नो आई एम द लास्ट मैन हुज लिविंग, तब बाकी लोग पहले जाएंगे, ऑल सर्कमस्टेंसेस देन आई विल लीड, बट अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी आई नो इट इज गोइंग डाउन, देन आई विल बी द लास्ट वन, आई विल प्रेफर टू बी द लास्ट वन। मैं इतनी सिंपल सी चीज है, मैं इसमें क्या जीटू की ट्रेनिंग चाहिए, एंड व्हाई कांट यू जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस अकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। गुड इवनिंग वन एंड ऑल, अनदर एपिसोड ऑफ द फौजी शो, एंड टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट कर्नल राजीव सर। इज अ पैराट्रूपर, ही इज अ एसएसबी ट्रेनर, लाइफ कोच, एंड इफ यू हैव सीन हिज यूट्यूब चैनल सोल्जर अनप्लग्ड, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सर लिटरली टॉक्स स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड व्हाटएवर ही कम्स टू द माइंड, एंड ही विल यू नो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड गिव यू द राइट ओपिनियन एंड not at all you know like those money minded trainers which are out there. So today we are going to have very like josh type conversation with sir is will give us an insight into army various roles in which he played and the ssb process. So stay tuned. So sir, you are an ncc cadet. I saw your photo as an air force ncc cadet, sir. So how come the transition from air force to army and then ultimately special forces? So how come that transition, sir? Samir, to be very honest, there was no transition here. I never wanted to be part of air force in any manner. Nothing against air force, it's a great organization, salute to them, you know, but I'm talking about my personal choice. एयरफोर्स तो इसलिए ली थी बिकॉज मुझे ना आर्मी की वो खाकी वाली यूनिफॉर्म पसंद नहीं थी, आई लव ऑल ऑफ ग्रीन, ना नहीं चाहिए थी मुझे यार वो, एंड ऊपर से है ना दूसरा मुझे हैकल नहीं चाहिए था वो सर के ऊपर रेड कलर का, यू नो समहाउ है ना आई नेवर कुड कोरिलेट टू दैट। एकेडमी में यू नो हैकल लगती है ना, देयर इज नथिंग टू बी ना फील वेरी प्राउड ऑफ, इट इज अ मार्क ऑफ पनिशमेंट, है ना। तो ये कीड़ा वहीं से था, फौज में भी तब लगता था कि यूनिट जब मिलेगी ना तो वो यूनिट चाहिए जिसमें हैकल नहीं होना चाहिए, है ना। अदरवाइज फीलिंग आ रही थी मुझे कि यार मैं वो लूंगा, देर आर ग्रेट यूनिट्स, बाद में पता लगा, उस समय कॉलेज में तो पता नहीं था एक्चुअली इम्पोर्टेंस ना। सो आई फाउंड की एयरफोर्स की जो यूनिफॉर्म है वो अच्छी है ना, तो मैं एयरफोर्स ले लेते हैं। यूनिफॉर्म का कलर देख के मैंने चॉइस की थी,
है ना. एंड सेकंड रीजन वाज आर्मी वाले हफ्ते में 3 बार बुलाते थे, एयरफोर्स में ओनली वंस इन द संडे, है ना. तो मुझे लगा ये भी ठीक है. तीसरा फिर मैंने ये देखा कि यार अंग्रेजी उन दिनों है ना बड़ी गरीब टाइप की थी अपनी, तो मैंने देखा एयरफोर्स में सार्जेंट भी है, जेसीओज है ना, दे स्पीक इन इंग्लिश, या करेक्ट व्हाट आर यू डूइंग कम हियर, है ना. आर्मी में तो बोलता बुला इधर. तो मैंने कहा भाई इसी माने शायद थोड़ी दुरुस्त कर रहे हैं, अंग्रेजी भी हो जाएगी थोड़ी ठोक बजा करके. तो तीन छोटे छोटे कारण थे, आई थॉट कि मैं लेट्स गो फॉर एयरफोर्स. एंड चौथा एक और भी था, हमारे टाइम में यू नो देयर वाज नॉट अ रीजन. उस समय ये था, देयर वाज सम चेंज इन द रूल ऑफ द गेम, कि एनीबॉडी हु वाज फ्रॉम द आर्ट्स और कॉमर्स कुड ऑल्सो गो फॉर द फाइटर पायलट, है ना. हमारे सीनियर्स गए भी थे, बट लेटर ऑन रूल्स चेंज. They realized that in a pickup and take-off level of the guy who was coming with a, you know, maths and science background proved to be a better version. So they changed the rules of the game. So I said, "Abhi kisi kaam ki nahi hai." Because for me, again, the Air Force definition was only fighter pilot, na. Agar kuch action hai, toh hai. Action nahi hai, toh then life is normal, na. No ordinary thing required. So wo tha, na. Great. And academy mein SF join kar rahi thi, choice wahi thi. And बॉस जिसने करना था द ऑफिसर ही सेड कि भैया गुरघास में आ गया, ही वांटेड एन आई मीन हिज यूनिट. सो सर ने मेरे को वहां खींच दिया. एंड उसके बाद में यार घूमते फिरते जहां मेरे को कोई आइडिया नहीं था, देन उसके बाद में फाइनली है ना गॉड हैज बीन काइंड, है ना, ही सेड कि ये लड़का है ना फौज में आना चाहता था एंड ही वांटेड समथिंग, सो बिफोर ही मूव्स आउट एंड आई मस्ट गिव हिम समथिंग व्हाट ही वांट, सो ही हैज बीन काइंड, हिज टाइमिंग्स वर करेक्ट, सो कमांड आई वाज स्लॉटेड एंड आई गॉट अपना एयरबॉर्न फोर्सेस. अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा. अमेजिंग सर. तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन ओटीए? सर पहले आपने एनडीए क्यों नहीं ट्राई किया एक्चुअली? वो ट्राई किया था मैंने यार, मैं हर एक को बताता हूँ, बट यू नो हर एक की अपनी कोई कमी पेशी होती है. बाकी तो मैं ही नहीं बोलूंगा आई वाज परफेक्ट, बट हाँ बाकी सब ठीक था. बस एक चीज मेरे कंट्रोल से बाहर थी, बाकी सब मेरे कब्जे में थी, है ना, दैट वाज मैथ्स. ओके. अगर मुझे कोई कहता कि भाई भगवान की एक वरदान मांग लो, तो मैं यही मांगता कि भैया लक्ष्य से ना मैथ्स खत्म कर दो यार, किसने पता नहीं याद करा है. I just don't like that guy who came up with this idea of maths. Yes. ना, तो अपनी कमजोरी के लिए मतलब मेरे को ये था कि भाई मैथ्स खत्म कर दी जाए. Yes. यार मैथ्स वो सच वाटर लू, कोशिश करी बट समझ में नहीं आया. Yes. मतलब क्वेश्चन जब आते थे ना कि भाई एक आदमी है, ही इज ट्रैवलिंग फ्रॉम है ना स्टेशन ए टू स्टेशन बी, वो इतनी स्पीड से जा रहा है तो इतनी देर में पहुंचेगा, इफ ही गोज विद दिस स्पीड तो वो कितनी देर में पहुंचेगा. तो मैं सोचता था यार मैं भाई दौड़ के देखे आ जाऊंगा, इससे कम टाइम पे मुझे मौका दो ग्राउंड में, बट इन सब मत पूछो यार. है ना, मैथ्स वाज सच अ बड़ी टेरर यार, नाइटमेयर, डर लगता था मैथ्स से. डर के साथ में यार फिर कमजोरी थी, तो मुझे लगता था क्लास में पूछेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे. तो जब वो पूछते थे भाई ये थ्योरी ऐसे ऐसे ये ऐसे किया, एंड देन हेंस प्रूव्ड, इतना आ गया करेक्ट, समझ में आ गया. सबसे जल्दी और तेज गर्दन हिलाने वाले में मैं था, मैं यस सर समझ में आ गया. अंदर से घबराहट थी यार, मैंने कहा पूछेंगे तो एक्सपोज हो जाएगा ना, टीचर खड़ा करेगा सबके सामने, बोलेगा गौर से देखिए इस इंसान को, ये वो है जिसको बार बार समझाने के बाद में समझ में नहीं आता. मैं व्हाई टू लैंड अप इन सच अ सिचुएशन, तो हर चीज में बोलते सर समझ में आ गया. गाइस नेवर डू दैट, इट इज इजी टू आंसर एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव गॉट डाउट यू मस्ट रेज हैंड एंड क्लेरिफाई, यू नो अगर बेसिक्स क्लियर है तो आगे मजबूती आएगी. आई लर्न दैट लेसन हार्ड वे. सो मैथ्स की वजह से सिर्फ एनडीए नहीं कर पाया, बाकी अदरवाइज यार देयर वाज नथिंग दैट कि मैं नहीं कर सकता था, चाहे वो फिजिकल्स था चाहे एसएसबी था, बाकी तो सेम ही सारी चीजें, सिर्फ एक मैथ्स ही थोड़ी कब्जे से बाहर थी. एंड यू नो मजेदार बात, मैंने ये पिछले इंटरव्यू में बोला है ये सिमरत ना, आई गॉट अबाउट डजन कॉल, सर मैंने आपको सुना था, यू सेड कि मेरी मैथ्स बड़ी कमजोर है. मैं ओके सर, मैं आपको बताना चाहता सर मैथ्स मेरी भी बहुत कमजोर है, है ना, यू नो व्हाट आई एम टेलिंग देम, मैंने कहा गुड, माय हिस्ट्री है ना इट इज रिपीटिंग, माय योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, यू डेफिनेटली है ना बिकम ए गुड ऑफिसर, मे यू विल बिकम ए लेजेंड, डोंट वरी. बट गाइस इट इज नॉट लाइक दिस, है ना, कि जिसकी मैथ्स खराब है, भैया मैथ्स कमजोर थी बट मैं बता रहा हूँ बाकी महकमा बहुत मजबूत था, यू नो जोश ईमानदारी मेहनत वो कर लेते थे. सो अब जब कोई कॉल करता है ना सर मेरी भी मैथ्स बड़ी कमजोर है, मैं आर यू लुकिंग फॉर सम काइंड एश्योरेंस कि भैया हो जाएगा पक्का, तो मे योर फ्यूचर इज ब्राइट डोंट वरी, बट मेहनत करो यार. सिर्फ उस वजह से नहीं जा पाया समझो, तो और कोई रीजन नहीं था दूसरा, इट वॉज माई ओन वीकनेस, है ना, और उसको ओवर पार करने में टाइम लगा थोड़ा. सर सरप्राइजिंग हुई है कि एनडीए जाने के लिए इतनी मैथ्स पढ़नी पड़ती है, बिकॉज इट्स वेरी बायस टुवर्ड्स मैथ मैथमेटिक्स एनडीए पेपर, और वहां पे जाके कभी मैथ्स की बुक खोली नहीं हमने. उल्टा ही हो गया सर सब कुछ. दिस इज कॉल्ड मर्फीज लॉ ना. अभी समटाइम माय सन आल्सो टेल कि हमें पढ़ा रहा है इसे ना क्या आगे काम नहीं आएगा. बट यार मैंने एक चीज सीखी है ना,
I think I said in today one of my videos when I was making for my YouTube channel, मेरा मैथमेटिक्स जो गणित है वो कमजोर था, है ना, बट उसके जो बेसिक कंसेप्ट है ऑन एग्जीक्यूशन ऑन ग्राउंड बहुत मजबूत रहे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई एक आदमी है ना, शायद 100 में से 100 लाता होगा मैथ्स में, वेन ही रीच सम पोजिशन इन वट एवर महकमा, है ना, आई हैव सीन पीपल डूइंग इन अ करप्शन इन टर्म्स ऑफ मनी इरेगुलरिटीज, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, या पैसे का गलत इस्तेमाल करा उन्होंने. एज ए कमांडिंग ऑफिसर आई ऑल्सो हैड लॉट ऑफ इक्विपमेंट मैनेजमेंट, यू नो, एसेट्स विद मी वर्थ बड़ी हंड्रेड्स एंड करोड्स, बट एक पैसा कभी भी दाएं बाएं नहीं होने दिया. मुझे मालूम था ये पैसा जवान के लिए लगना चाहिए, ये सही चीज के लिए लगना चाहिए, ट्रेनिंग के लिए, वेलफेयर के लिए, वो पैसा वहीं इस्तेमाल हुआ, है ना. आई कैन बेट माय बॉल्स ऑन दिस, अगर कोई मुझे कह दे कि भाई आपके टाइम पे एक चीज गलत हुई दाएं बाएं, नेवर. मैथ जरूर कमजोर था, बट जब ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन आया उस गणित का, तो वो मैंने बिल्कुल इंश्योर किया कि ये दो जो है ये दो यहां पर इस्तेमाल होंगे, ये चार है इसकी बांट बराबर लोगों के लिए ऐसे होगी, ये 10 रुपए है तो इसको मैं अच्छे तरीके से इस तरह इस्तेमाल कर सकता हूं. सो व्हाइल इट इज गुड टू हैव गुड मैथ्स, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार कि आप उसको है ना गणित का इस्तेमाल करो. अब जिसका ज्यादा दिमाग होता है वो कहता है ओके. फॉर एग्जाम्पल है ना, देयर हैव बीन बिग स्कैम्स कि पैसा इधर कर दूंगा इधर कर दूंगा, सीबीआई को भी महीनों लग गए फिर भी समझ में नहीं आया कितना खतरनाक मैथमेटिक्स लगा दिया. कीप थिंग सिंपल यार, मेहनत करो हो जाता है, मैथ्स भी इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है अभी. नाउ आई रियलाइज. यस सो सर, आप अकेडमी पहुंचे, यू क्लियर्ड योर ओटी एग्जामिनेशन, और सर वहां पे सबसे पहले जूनियर मोस्ट टर्म में व्हाट वाज द सीन लाइक रिपोर्टिंग फर्स्ट डे, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस कोपिंग अप विद द अकेडमी? यार फर्स्ट डे वाज ऑर्गेज्मिक, आई एम टेलिंग यू, इट इज समथिंग लाइक द फर्स्ट लव, यू कांट फॉरगेट यार. आई डोंट नो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, बट मैं अपना बताता हूँ. दो मजेदार चीजें ध्यान में आती है इम्प्रॉम्प्टू व्हेन यू आर आस्किंग मी. पहले पहुंचे कंपनी के अंदर, तो वहां पे देखा एक आदमी हमारे उम्र का था, उसने बॉक्स रखा हुआ था सर पे, एंड बॉक्स रख के वो इधर से उधर निकर पहन के दौड़ रहा था. हम लोगों ने देखा, मैं ये कौन सी ट्रेनिंग चल रही है, तो हम लोग अपना जहां थे कोने में छुप गए वहां पे. जब वो बाहर सीनियर चले गए तो हमने उससे पूछा, मैं भाई साहब आप, कहते जी मैं अपना ट्रेनिंग करने आया यहाँ पे, अभी सिलेक्ट हुआ मैं. शाबाश, आप हमारी बिरादरी के हो? कहते यस. तो मैं, भाई ये जो तुम आप कर रहे थे ये कौन सी ड्रिल है, ऐसी भी कुछ होता है क्या? कहता यार मैं आया था यहाँ पे, उन्होंने मुझसे पूछा सीनियर ने, यू आर, मुझे लगा होंगे यार मेरे साथ के. मैंने कहा या आई एम ऑफिसर सो एंड सो लेफ्टिनेंट. मैं, अच्छा तू पहले दिन लेफ्टिनेंट बन गया? कहता हाँ, मैंने आते ही बोला उनको. कहता फिर उन्होंने मेरे बोला कपड़े उतार दिए और बोला आज शुरू हो जा. तो दैट्स व्हाई आई वाज डूइंग दिस थिंग. ओके, मैं दूसरा, कहता है उन्होंने पूछा था फौज में क्यों आए हो. कहता सर मैं वैसे तो यू नो आई एम फ्रॉम गुजराती कम्युनिटी, गुजरात से कम लोग आते हैं, आई हैव अ बिजनेस स्टेट ऑफ माइंड, तो मैं देखने आया हूँ कि आर्मी कैसे चलती है, आर्मी में क्या क्या है, सो दैट कल को मुझे आर्मी खरीदनी पड़ जाए तो क्या करना है. दिस वाज द आंसर. कैन यू इमेजिन? मैंने कहा बाप रे, तेरे राजे कुछ ज्यादा मजबूत नहीं है, तो है तू आर्मी खरीदना चाहता है? कहता यस. मैं आया हूँ देखने के अंदर क्या चल रहा है. ग्रेट. सो एक ये सीन था, कलेक्टिवली हमें बोला कि ओके इमीडिएटली चेंज टू व्हाइट रिग, है ना, व्हाइट शर्ट, व्हाइट बनियान, व्हाइट सॉक्स, व्हाइट निकर, शूज, सॉक्स, एवरीथिंग व्हाइट. आपको है ना बगुला बतख बना दिया गया, और हमें भी बड़ी फीलिंग आई, यू लुक नीट एंड क्लीन व्हाइट, अभी लगता है स्वागत होने वाला है. हमने बोला प्लीज कम टू दिस थिंग, कोत में पहुंचे हम लोग. कोत में वहां वाटर टैंकर आया, पूरा पानी वानी डाला, कीचड़ शीचड़ एवरी डाल थे, एंड उसके बाद हमें बोला ओके लेट जाओ. मैंने कहा सफेद कपड़े पहन रखे, लोगों ने सोचा कहां लेट जाओ, बोला लेट जाओ ऑफिसर तो अभी मेकिंग शुरू होने वाला है. लिटाया. उसके बाद में साइड रोल, क्रीम रोल, फ्रंट रोल, बैक रोल, ऑल काइंड ऑफ रोल यार वी डिड. फिर देन आई रिमेम्बर कोई खंबे पे चढ़ा हुआ है, कोई मस्टर पढ़ रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, नेशनल एंथम पढ़ रहा है. हम गए थे प्योर व्हाइट, और जब तक बाहर आए ना, तो वी वर द बेस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर ये जो आजकल एड आती है ना कि दाग लग गए ऑल दैट, वो हमारी फोटो होनी चाहिए थी मुझे लगता है कई बार. ये वाले दाग धोके दिखाओ तब मानेंगे कि भाई आप अच्छा प्रोडक्ट हो. एंड यार जब तक हम लोग आए वी वर स्टिंकिंग लाइक पिग्स, है ना. बट एक वहम दूर हुआ बहुत बड़ा कि भाई है ना, देयर इज नथिंग फॉर फ्री, इतना आसानी से नहीं है ना, आपको बजाया जाएगा आने वाले दिनों में ढोलक की तरह, और एक साइड से नहीं दोनों साइड से बजेंगे आप, और जोर जोर से बजाया जाएगा ताकि जबरदस्त आवाज आए, आप अच्छा प्रोडक्ट तैयार हो जाए. एंड उसके बाद में वो जो पहली ड्रेस तैयार हुई थी जिस दिन हम लोग अकेडमी से निकले, वो तब तक हमारे पास में थी ड्रेस, है ना, यू माइट बी अवेयर, डीपीआर, डर्टी पीटी, है ना. अगर वो मेरे को लगता है मुर्दा को भी सुहा दो, तो एक बार तो खड़ा होकर मुर्दा भी सलूट मार दे, बोला भाई इससे ज्यादा टॉर्चर नहीं हो सकता. दैट इज द काइंड ऑफ द ड्रेस. एंड सी एक होता है ना सुमरत सर, मैं तो किसी स्टेज पे, मैं अपनी डीपीआर घर लेकर आया था.
मैं भी आई वॉज वन ऑफ दोस छुपा के लेके आया था एंड माई मदर है ना जब देखा तो उन्होंने वोमिट कर दिया, बोला भाई ये क्या है, मैं मेहनत मैं खून पसीने की कमाई है, यू नो। तो किसी अगर मुझे लगता है सिविल में किसी को सुखा दूं तो मुझे लगता है वो 24 घंटे में आईसीयू में एडमिट हो जाएगा कि भाई ये क्या चीज है। जानवर भी उससे साफ रहते होंगे, हमारी वो हालत होगी 24 घंटे में। बट इमेजिन सुनते थे ना, दिस इज समथिंग टू यू नो लर्न कि एक आदमी जिसको पहले लग रहा था कि यार इसमें कीचड़ है, गंदगी है, बदबू आ रही है, इट्स अ शिट एंड ऑल दैट, आफ्टर वन रगड़ा आफ्टर टू रगड़ा यू स्टार्ट टेकिंग प्राइड इन दैट, है ना। और प्राइड के साथ में अभी जैसे तूने बोला मैं घर लेके आया था, आई वाज आल्सो लाइक दैट, मतलब यू रीच द स्टेज जहां पे यू स्टार्ट कंसीडरिंग इट इज वन ऑफ योर प्राइस पोजीशन कि साला मेरी चीज है, मैंने कमाई है, यू नो। दिस मैजिक ओनली कैन हैपन इन आर्मी, यू नो, जहां आदमी कीचड़ में गंदगी बदबू से भरी हुई चीज में कहता है शादी ढोके दिस इज माइन, ये मेरी है, मैंने कमाई है। बाहर नहीं तो एक दाग लग जाए तो आदमी सीधा जाता है ड्राई क्लीनिंग में कर देना, हम तो कहते हैं साला जितने दाग लगे तो अच्छे है ना है? That was fucking, ये दो इंसिडेंट है यार अकेडमी के जो मुझे याद आते हैं इमीडिएटली, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। और सर यू आर हाउ आर यू इन क्रॉस कंट्री बॉक्सिंग एंड ऑल? जकास, नो वंडर सर यू आर इन स्पेशल फोर्सेस बिकॉज़ क्रॉस कंट्री। तो इससे मेरे को याद आया, मैंने ना पहले इसकी बात करूंगा बट तेज दौड़ने से याद आया, आई आस्क्ड माय फादर ना, आई यूज्ड टू गो ऑन साइकिल कॉलेज में, बाकी लोग आते थे कोई बाइक पे एंड ऑल दैट, आई सॉ कि मैं फादर के पैसे वेस्ट होंगे, साइकिल इज गुड एनफ, तो मैंने कहा साइकिल चाहिए बॉस, है ना। मैं साइकिल में थोड़ा सा, मैं वो एटलेस वाली में थोड़ा सा ना अजीब सा लगेगा, स्पोर्ट्स मिल जाती तो अच्छा होता। तो इसे की ओल्ड मैन इसे की ठीक है तो स्पोर्ट्स साइकिल ले ले, तो मैंने ली। एंड बाइक का भी एक बार आया था, मैंने कहा बाइक लेनी है पहले, कहते कौन सी बाइक, मैंने कहा यामा, कहते क्यों, मैंने कहा तेज दौड़ती है। तो मेरे फादर सेड, कहता है चोरी करके भागने गई, मैंने नहीं चोरी तो नहीं करनी, बोला फिर तेज का क्या मतलब है यार, व्हाई डोंट यू से इसकी माइलेज अच्छी है, ये अच्छा है वो अच्छा है। Then I realized कि it is better to run faster on ground and I was a good runner, थोड़ा DNA भी मेरा मजबूत है। So academy जब पहुंचे थे in first time only है ना, I came first panel के अंदर and they said कि seniors they said कि यार तूने good मजा कर दिया है ना, और हमारे पास उतना time नहीं होता है, so पहुंचे निपटा दिया फटाफट। So वो लग्जरी थी, इतना बड़ा केक लेके आए, तो उतना बड़ा केक मेरे पास आज तक मैंने नहीं कभी लेकर क्या, सीनियर्स बहुत बड़ी ह्यूज केक यार, बड़ा सा केक, एंड मुझे भैया जिले लाई की तरह बिठाया अपने बीच में कि बोला बॉस इधर बैठो, है ना। एंड एक नजरिया चेंज हो गया सबका कि यार भाई फिट है, ड्रिल में, वर्ड ऑफ कमांड में एंड फिजिकल में, इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा सर। पट्टी परेड भी होती थी, मिड टर्म मूड होता है सर ओटीए में यार, होता है बट है ना याद नहीं आ रहा कि होता है कितने दिन का ना, इट हैपेंस एट सच फास्ट पेस ना, बिफोर यू फील कि आई विल एंजॉय, उससे पहले खत्म ही जाती है आपकी खुशी। ट्रेलर इज वेरी शॉर्ट, वो फील नहीं आने देते, सिर्फ वो फीलिंग। मैं जब पहली बार आई में गया ना, मैं समरथ, मेरे को लगा यार कि लाइफ में आई फर्स्ट टाइम है ना, फेल सो गुड कि गुड यार मैं उठ ही गया था, यू नो व्हाई, बिकॉज मैंने वहां पे देखा, मैं किसी यंगस्टर को मिलने गया था, वन ऑफ माय सीनियर हु वाज विद मी इन एनसीसी बट ही वाज डूइंग ट्रेनिंग, सो आई गॉट कमीशन एंड ही वाज स्टिल डूइंग ट्रेनिंग इन IIMA। वहां पे मैंने गया, मैंने देखा एक तो मौसम बहुत अच्छा, दूसरा टाइट व्यू लगाया, कैफेटेरिया में बैठे हुए फोन पे बात कर रहे STD पे, एंड इज टेलिंग वन बटर चिकन एंड दिस, मैंने कहा वाह यार ऐसी भी ट्रेनिंग होती है, मैं हमारी तो बड़ी गरीबों टाइप थी, मैं हमारे तो बाथरूम में दरवाजा खिड़की कहाँ है भाई, पता नहीं लग रहा था उन दिनों ओटी की बात कर रहा हूं मैं। मैंने कहा यार हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, हमारे पास में ये था फर्स्ट टाइम में तो यू आर नॉट अलाउड इन ए कैफेटेरिया, एक गरीबों टाइप कैफेटेरिया होता था। एंड मुझे याद है हम लोग चार के स्क्वाड में जा रहे थे, शाम को हमारा फॉलन हुआ, बोला आज भी प्रसादा वाहेगुरु है सभी का, मैं किस खुशी में भाई, सीनियर में बताया, कहता तुम्हें से तुमने रूल तोड़ा आज, कैफेटेरिया का तुमने ये इस्तेमाल किया है, फर्स्ट टाइम इट इज नॉट अलाउड। तो बोला किसने किया है, तो एक था कोर्स में, उसको बोला इसने किया है, तो सर की नहीं सर मैं तो नहीं गया, बोला इतने बजे तुम वहां से जा रहे थे, बोला सर जा रहा था लेकिन मैं कैफेटेरिया में नहीं गया, बोला नो तुम गए नहीं हो लेकिन तुमने ऐसे देखा था साइड में, बोला हाँ सर नजर तुम्हारी थी, बोला तुमने नजर मारी थी इसका मतलब तुमने सोचा वो फीलिंग तो ले ली ना पूरी, टॉयलेटेड डर हुई, मतलब रीजन चाहिए यार, मतलब सोचने के बारे में कैफेटेरिया में सोचा उसके बारे में भी हमें प्रसादा वाहेगुरु मिला। एंड जब मैंने वहां देखा मैंने कहा यार ग्रेट वी हैड अ टफ टाइम, तो जब सीनियर बने ना तो पहला दिन यही काम किया, पहले दिन कैफेटेरिया में गए, तीन चार ग्लास जूस के पिए, जाके आइसक्रीम खाई, छोटी छोटी खुशी है ना कि ओ कमाया है ना इतने महीनों के बाद में। ये लोग पूछते रहते हैं एस्पिरेंट्स की कोल्ड कॉफी पेस्ट्री के बारे में बताओ, कोल्ड कॉफी पेस्ट्री के बारे में बताओ,
वो सब नॉर्मल सी होती है, लेकिन उस समय क्या होता है सर, वो 2.5 साल से आपको बस बोला जा रहा है कि ये आपका प्रिविलेज नहीं है, ये अच्छी चीज है, आपका प्रिविलेज नहीं, लेकिन तो इतना बिल्डअप हो जाता है ना सर, वो ओवर हाइप्ड है वो इतना ज्यादा इंस्टाग्राम और आजकल यूट्यूब पर स्पेशली। सो सर जो चीज मुश्किल से मिलती है ना उसकी मैं वही बोलता हूँ, एनीथिंग विच इज गिवन फॉर फ्री ना, आजकल जैसे बड़ा सिस्टम है फ्री में, ये फ्री में नोट्स, फ्री में फलाना, या फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं है। जब आप थोड़ा हाथ पैर मारते हो, थोड़ा छटपटाते हो, यू वर्क हार्ड फॉर इट ना, तब आपको मजा आता है कि हाँ गुड कुछ कमाया मैंने। आप किसी बच्चे को देखो, देखिए देखिए रोज 10 रुपए दोस्त को, एंड यू सी ही विल बी ए स्पॉइल्ड किड्स। एंड आप किसी को बताओ कि भैया आपको टॉफी मिलेगी, लेकिन पहले अपना होमवर्क खत्म करो, तो एटलीस्ट यू आर डेवलपिंग ए गुड हैबिट कि भैया टॉफी तो मिल जाएगी बट उसके लिए होमवर्क पहले खत्म करना पड़ेगा। वेरी बेसिक थिंग है ना। सो ये है। तो सर ओटीए से अब यू गॉट कमीशनड इनटू गोरखास। How was that experience? A few years, first few years in the Gurkhas. How, what all lessons you learned as a young officer, and what would you like to share with aspirants? And some officers are also watching. So my coursemates are also there live. So I just saw that. Yes. Yeah. See, मैं हमेशा कहता हूँ, देखो, अगर मैं AC में होता, I would have been a brand ambassador of AC. Had I been in, you know, any regiment, armored, engineers, and all that. मेरा अपना personal take है कि all units are good. I've seen, you know, generally youngsters, they are more obsessed and they have got an inclination towards special forces. Okay, they have their own reasons. Why not? One should make personal choices. At the same time, you should work hard to earn that maroon beret. You know, nothing is for free. With regards to Gurkhas, yaar, jana nahi chahta tha, jana SF mein chahta, but Gurkhas mein pahuncha. But maine dekha ki hai na, unit se ya naam se ya number se kuch fark nahi padta. One Gurkha rifle, this Gurkha rifle, that Gurkha rifle. It is the men, you know, and the officers who makes that battalion. Yes. अगर माहौल अच्छा है ना, आप कहीं पे भी मजे करोगे यार, चाहे वो 10 आदमी की टुकड़ी हो, चाहे 1000 आदमी हो, यूनिट चाहे एक्स वाई जेड हो, नंबर कोई भी हो, रेजिमेंट, आर्म्स एंड सर्विसेज कुछ भी हो, एटलीस्ट मैं नहीं मानता। आई ऑलवेज यूज टू टेस्ट माई सेल्फ। असम राइफल में गया, 20-22 साल हो गए, बट अभी भी आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज रेयर कमोडिटी जहां जवान फोन करके कहता है साहब कैसे हो, इतने दिनों के आपने फोन नहीं किया, है ना, यू लॉस्ट ट्रैक, बैड ऑब्जर्वेशन, डांट देते हैं कई बार, कहते हैं इतने इतने दिन बात नहीं करते, रहते कहां, ज्यादा बिजी हो गया आप, कंपनी कमांडर कोई ड्यूटी नहीं आपकी, मेरे का भी ड्यूटी है, सॉरी भाई गलती होगी मालिक, और कहता है इसको ऐसे करना, मैं ठीक है मेम साहब से पूछू तो डांट देते हैं, मेम साहब से क्या पूछना, कंपनी कमांडर हमारे हो, मैं ऑब्वियसली उसका तो मैं पति हूं भाई, कंपनी कमांडर तो तुम्हारा ही रहूंगा, उसका कंपनी कमांडर थोड़ी हूं। सो गुरखास में जब मैं गया ना, आई रियलाइज यार द एक्सेप्टेंस लेवल वॉज वेरी हाई, आई हैड द मोस्ट डायनामिक सीओ ऑफ इंडियन आर्मी दैट टाइम, जनरल तोड़गे, गॉड ब्लेस हर सोल, माय फर्स्ट सीओ, a great great man, warrior, hai na, jab bolte lagta hai ki tiger is speaking, hai na, kahi stand lena hai whether for the unit, for the men, so he used to say ki lagta tha ki yes ki sahi jagah aa gaya banda, aisa hona chahiye. Had a great team of, you know, senior subalterns, great jcos and men, pyar beshumar mila, daba ke unhone sikhaya, acceptance level was very high, and gurkho mein jaakar ke yaar bahut kuch sikha maine, to नेपाली बोलनी सीखी, गाना सीखा, पहले गाता था बट शर्माता था, उनको देखा, उनको दे डोंट रिक्वायर ए रीजन, जहां बता दो उधर ही ढोलक बजनी शुरू हो जाएगी, जामरे, नाचना गाना, लेडीज बच्चे, दे रियली मेक मैरी। तो मैंने भी पहली बार हिम्मत करके माइक उठाया, पीपल अप्रिशिएट की साहब अच्छा गाते हो, मैं गुड, मैं फिर गाते हैं, तो वहां से मैंने गाना शुरू किया, उनके साथ में फिर खुल के आया, फिर डांस भी करना सीखा, एंड फर्स्ट टीचर इन आई थिंक एनी ऑफ द यूनिट इस बड़ी ओनली सेम वॉज इन गुरखास, बहुत कुछ सिखाया साहब, ये चीज ऐसे करनी है, ये नहीं करनी है, जो चीज एकेडमी में नहीं सीखी वो यार यूनिट में जाके सीखी मैंने, यूनिट में बजने से इतनी फुर्सत नहीं होती थी, मतलब एकेडमी में वो बता भी रहे थे, ऐसे आंख खुली होती थी ना, ऑफिसर होता वाह क्या रिसेप्टिव मोड में है कड़क लौंडा, बट भैया यहां तो है ना आंख खोल करके सो रही थी जनता, हमें क्या पता क्या पढ़ा दिया। अकेडमी में वही काम ऑफिसर की बजाय एक जवान ने किया, मैं उस्ताद ये सेट को कैसे इस्तेमाल करते हैं साहब, ये प्रेसल स्विच होता है, जब आप बोलोगे तो इसको दबाना है ना, फिर जब बात खत्म हो जाती है तो छोड़ देना है, फोन की तरह हेलो नहीं बोलते, इसमें ओवर बोलते हैं, ये कोड्स होते हैं, ये काउंटर साइन है, ऐसे बात करना है, तो पहले वो थ्योरी बताता था, मैं साहब अभी नमूना काम बयान के साथ, तो कहते साहब ऐसा करते हैं एक सेट मैं लेता हूँ एक सेट आप, तो एक पत्थर के पीछे मैं जाके बैठता था, एक चट्टान के पीछे वो बैठता था, फिर देन आई यूज टू कन्वर्स विद हिम, एक पेपर मेरे पास होता था, दिस इज हाउ दे टॉट मी, फिर कुछ चीजें देखी जो एकेडमी में देखा था, आई रियलाइज है ना कि यूनिट में ऐसा होता है यार कि आने से पहले लोग बोलते थे ये जाट है इन एकेडमी, जब यूनिट में आया आई टुक माय कॉल कि नो आई एम नॉट ए जाट, आई एम ए गुरखा फर्स्ट एंड देन आई एम ए जाट, ये मैंने यूनिट में आगे सीखा, है ना, इंडियन डोमिसाइल भी है, नेपलीज डोमिसाइल भी है,
नेपाली बोलते हैं, बट एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ करते हैं. एंड जो पलटन की जो तरतीब होती है ना यार, आई डोंट नो, दिस वेरी फ्रॉम रेजिमेंट टू रेजिमेंट. एंड आई ऑलवेज से यूनिट अच्छी बुरी नहीं होती है ना, बंदे अच्छे बुरे होते हैं. एंड ऑल गुड एंड बैड थिंग्स इन एनी ऑफ द यूनिट इन इंडियन आर्म फोर्सेज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. कई बार मैं अपने काउंटर पीएस को भी देख लेता फ्रॉम अदर रेजिमेंट, यार मेरे ऑफिसर्स है ना डीले हैं. मैं सर, कम ऑन, हैव ए हार्ट, व्हाट डीले हैं? मैं सर, कहीं तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना. साल में 365 दिन मिलते हैं बिफोर यू राइट इज एस, दबाओ बजाओ ठोको करो फिट उनको, ठीक है. बट ग्रेट इज गुड, बट एटलीस्ट उस काबिल बनाओ. यू कांट कंप्लेन ऑन 365 डे की बद्दे फद्दू हैं. नो, नॉट माई कप ऑफ टी. इन माई यूनिट इट वॉज नॉट अलाउड टू कंप्लेन अगेंस्ट एनी जूनियर. काम करके दिखाओ, उसे रिवाइज करवाओ, बता के देखो. बट यू टेल की सर आया था फद्दू प्रोडक्ट था, मैंने सर इसको बताया समझाया करके भी दिखाया, फिर दोबारा करवाया चेक किया, बट सर अभी बंदा फिट है सर, है ना, इट डिजर्व्स कॉम्प्लीमेंट्स. ये मैंने वहां से सीखा हूं, गोरखों के बीच में रह के, है ना. कई लोग आते हैं जो आते हैं बिल्कुल टोटल टी टॉटलर, दे वर द फर्स्ट वन दोज हु टोल्ड मी हाउ टू यू नो टेक चार्ज, है ना, गो हॉर्सेस, यू ड्रिंक लाइक अ फिश, ठीक है. बॉक्सिंग है, कैसे खेलना चाहिए, यू लर्न इट फ्रॉम गोरखर्स. जब बॉक्सिंग की बात आती है, फुटबॉल की बात आती है ना यार, आई एम टेलिंग यू यार, दे आर एक्चुअली तबाही. ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं ना गोरखे, समझ में नहीं आता. एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, हमारा जाट पलटन के साथ में मैच चल रहा है, फुटबॉल मैच, बड़ी गोरखे हैं ऊपर से जाट. अच्छा, मैं दोनों कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, आई एम गोरखा फर्स्ट एंड देन जाट फर्स्ट, एंड आई एम वाचिंग द मैच. बड़ी मैच शुरू हुआ, सीटी बजी उसके साथ में, वो बेचारे वो भी बज गए, है ना, और गोरखे मजे ले रहे हैं थोड़ी देर के बाद में, कहते लो लो बॉल ले लो, वो पास आए बेचारे एक ही जगह ऐसी ड्रिबलिंग करे, वो घूमे जाट राम की बॉल को हो क्या रहा है, समझ में ना आए, पास पूछ देते ना बाद में, बोले गोल, एक हुआ, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, दस. मैं भाई करना क्या चाह रहे हो, हाफ हो गया, थोड़ा सा मैं है ना, लेट्स मेंटेन द डेकोरम. उस यूनिट की लेडीज भी हैं, बच्चे भी हैं, थोड़ा आराम आराम से खेलो, थोड़ा एक आधा दो उनको भी बॉल, ऐसी दौड़ रहे हो आपस में पास कर रहे हो उनको, वो बीच में आते हैं सेंट्रल लाइन में रखते हैं, एक लात मारते हैं, उसके बाद में फिर भाग ही रहते हैं बेचारे, मैसे मत करो, दिस नॉट डन. बोले ठीक है सर, बट बाद में नालायक उन्होंने फिर वही शुरू कर दिया. आखिरी में बॉल है, जाटराम के पकड़ में आ गई, उन्होंने बोला लो, गोरखे इतनी छोटी छोटी सॉक्स पहने, वो ऊपर घुटने तक पहने, जाटराम क्लियर डिस्टिंक्ट दिखाई देता. जब बॉल आई ना, जाटराम ने दो बार यू उछाली और यू मारी बॉल खींच के ऊपर, वो बड़ी सॉलिड है ना शॉट, एंड पीछे से आवाज आई, सीटियां बज रही, बोला बेटे गोल तो कोई भी कर दे, इतनी ऊंची मार के दिखाओ. मैं चलो फोन दे भैया, Tuesday happy, now this is fair. So it was good, yaar. Khush rehte hain. Choti choti cheezon mein, they know when to charge up, how to take care of their family. Apanapan bahut jyada hai yaar gurkho mein na, bahut jyada. I have never seen mera beta kaise bada hua. When he was in class mein to kya tha, he was just 5 years na. And he used to speak wonderful badi gurkhali. भैया आते थे भैया के साथ में, दाई के साथ में आते ही बिल्कुल जैसे पहुंचता था केन लगा के गोरखाट लगा के उसको सल्यूट मी, जेरी साहब हजूर ले केन इंचा, मतलब व्हाट यू विल टेक है ना इन ड्रिंक्स, ऐसे में नथिंग, कहता नहीं साहब हजूर ले कुछ तो लेना पड़ सा, मतलब कुछ तो लीजिए, कुछ नहीं लीजिए. मैंने कहा नहीं छोड़े, कुछ नहीं चाहिए. कहता ट्राई जिन, मैं नो. फिर मैंने पूछा ये, कहता नो. मैंने कहा वो भाई, फिर मैंने बड्डी को बुलाया, मैं भाई इसको लाइफ में कुछ बनाना है, मैंने 12 इंच नहीं बनाना, प्लीज स्टॉप गिविंग दिस चिली, ये चिली में तो ब्रांच है ना, ही नॉट स्टार्टेड गोइंग टू क्लास फर्स्ट. बट उनके साथ में रह के उसने वो सीखा, ठीक है. एंड इज्जत देते हैं हर एक को, हमसे जो सीनियर होता है उसको गुरुजी बोलते हैं. गुरुजी एक भावना भी है, एक तरीका भी है. मतलब मेरे जो सीनियर सबल्टन है अरुण सर, कर्नल अरुण, मैं उनको गुरुजी बोलता हूँ, आई कॉल हिम गुरुजी, है ना. So, ये एक बड़ी अच्छी चीज लगी मुझे, जो विच आई डोंट सी है ना कि शायद बहुत यूनिट्स में किसी में होता होगा. वी यूज्ड टू कॉल देम गुरुजी. तो जी लगाने में वजन लगता है यार, एंड दैट्स अ गुड ट्रेंड. देन गोरखास में इट इज आई थिंक द ओनली रेजिमेंट जहां पे है ना पीपल कॉल देम बाय नंबर्स. माय सीओ, माय सीनियर सबल्टन, दे टोल्ड मी, कहता है यूनिट में भी 1200 लोग हैं, नाम से मत चलना कि भाई किशन बहादुर को बुला लो या लोकेश को बुलाओ या केशव को बुलाओ, कॉल देम बाय द नंबर, इट विल बी टेकन एज एन ऑफेंस. तो वेरी गोरु गोरखा यूनिट देवल से 41 गुर्जी, 71 गुर्जी, 74 गुर्जी, 24 को बुलाओ, 48 को बुलाओ, ऐसे होता है. बाकी यूनिट में रेजिमेंट में नाम से बुलाया जाता है. इट इज अ सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस काइंड ऑफ थिंग, यू नो, आपके जो डिजिट है 958 में आप नंबर से बुलाते हो. दिस इज हाउ आई हैव बीन ट्रेन. सो जब आप इतना इंटरेस्ट लेते हो, इमेजिन आपकी बंदों में पकड़ कितनी होगी, यू नो. फिर मैंने गोरखों में ये देखा है, बाकी जगह हम लोग जाते हैं जो हमारी सिखलाई थी एज एन ऑफिसर,
चेटवुड क्रेडो कि हम बाकी जगह गए कहीं कहीं हमने ये भी देखा है कि पहले है ना ऊपर टॉप टू डाउन अप्रोच चल रही है. हम लोग क्या करते थे कहीं एक्सरसाइज एरिया कहीं पहुंचे तो सबसे पहले जवान के तंबू लगेंगे, उनका खाना पीना रम इशू टॉयलेट पानी एवरीथिंग डन. उसके बाद में हमें अपने लिए कभी बोलने की जरूरत नहीं. उन्होंने बोला यार हम पहुंचे एक्सरसाइज में, यहाँ बॉस से पहले भी जवानों का लग गया है, लेट्स टेक चार्ज एंड इंश्योर दैट आवर ऑफिसर्स शुड बी कंफर्टेबल. तो यार दे डन इट यार, अप्रोच है अपनी अपनी है ना. आई हैव लर्नड अ हेल लॉट ऑफ थिंग्स विद देम, आई कैन स्पीक ओवरनाइट. इट हैज बीन अमेजिंग जर्नी यार. गाना पीना मतलब एक जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, आई लर्न अमंगस्ट गुरखास. इमेजिन जहां पे मेरे बेटे को एक बार किसी ने पूछा था, आई थिंक यू ओनली आस्ट कि कब देख बड़े होके क्या बनना है, ही सेड अंकल मुझे बड़े होके आरपी हवलदार बनना है. आरपी हवलदार अभी फॉर दोज हु आर लिसनिंग टू अस एंड दे डोंट नो व्हाट इज आरपी हवलदार. आरपी हवलदार यू नो इज करता धरता सरपंच ऑफ द यूनिट जो पूरा डिसिप्लिन ट्रैफिक मैनेजमेंट ये वो एंट्री एग्जिट सब मेंटेन करता है. ही इज ऑलवेज स्मार्टली ड्रेस्ड यू नो विद अ बेल्ट चेन गुरखा हैट पूरा यहाँ पे लगा होगा ब्रास का लगा हुआ आरपी हवलदार विद केन एवरीथिंग चेन लटक रही है सब कुछ. कहता है अंकल वो बड़ा पावरफुल आदमी है. बोला क्यों? कहता है अंकल वो ऐसे हाथ करके ना गाड़ी रोक देता है. वो मैं भाई ही इज नॉट फ्रॉम मावर्स यू नो उसकी ड्यूटी है वो एवरीवन नोस ट्रैफिक चैप है ना ऐसे हाथ करने से गाड़ी रुकती है. तो ही इज आइडियाज व्हाट लाइक दिस. Yes, sir. I can relate so much with your son, sir, because I am also my father was also in the army. So I also used to see ki yaar ye RP bhaiya ke paas to badi power hai. The day you know my father made me sit in front of his gypsy, that was I think the best day ever. He salute aa gaya samne se humne bhi wo feel le li na sir ki officer ban gaya. To just kids sir bacche ke liye to wahi kafi hota hai us samay. To bilkul yaar bilkul you hai na. Ek din एक और बताता हूँ किस्सा. एक बार तो कादिर ने ये भी पूछा था मैं सन यास पी द वे ए गोरखा बडी टेक केयर ऑफ ए चाइल्ड ना नो वन एल्स कैन. डाउट ही नहीं इसमें था यार. कुछ भी कह दो साहब नानी लेके मनी ना भनू साहब मो हेचू वो अपने प्यार से बताएगा. तो मैं उसको अगर कुछ समझाऊंगा ना कि देखो ऐसे होता है, कहता नहीं आपको नहीं पता यार आप भैया से पूछो, भैया ने मुझे बताया ये ऐसे होगा. तो मुझे बताना पड़ता है मैं वो उस्ताद कोच साहब मैं उसको बताऊं यार कि गलत है. वो मानने के लिए तैयार है. हिज ऑर्डर वर है ना इन सीक्वेंस सबसे दुनिया में सबसे सही बात करने वाला सबसे अच्छी बात करने वाला और मजबूत बात करने वाला भैया है भाई. उसके बाद में भगवान एंड देन पेरेंट्स एंड चौथे नंबर पे माँ बाप. मतलब बडी इज प्लेस बाय किड्स इवन बियॉन्ड गॉड है ना. दैट इज द वे मतलब चाइल्ड दे लुक अप टू भैया दाई. इवन मी सर माय सन वांटेड टू बिकम वन. ही सेड कि अगर मुझे मान लो दाई बनना है तो कितना पढ़ना पड़ेगा. मैं बेटा अगर नहीं पढ़ेगा तो बन जाएगा. मैं लेकिन फिर बताया उसके बाद मेहनत बहुत करनी पड़ेगी बेटा. इट्स नॉट ए इजी थिंग यू नो बहुत पेलना पड़ता है अपने आप को. एक साल लगता है पूरा. अच्छी जर्नी थी. Yes, I can actually relate. मैं भी जब छोटा था सर, because father was not at home much, so I used to look up to you know भैया at home, and he was like a fatherly figure for me actually. So I'm still in touch. Yeah, even after going to the academy, I used to talk to him. I you know, even when you know he had to go, he wanted to go to ARA. So I remember I was crying all day long because it was like my father was going. So yeah. I can actually understand. But sir, फिर आप गोरखा से you made a transition now into special forces. So we will not discuss about operation and all because इतना you know net पे available है. But actually more on you know qualities and you know what all lessons you had there and how was your experience. कुछ कोई किस्सा अगर आप सुनाना चाहते हैं सर तो it would be great for the aspirants who are watching. Okay. As I just said few minutes back, Samrat, मेरा अपना मानना है यार, it was just है ना, I said कि सारी unit अच्छी हैं, सारी regiment अच्छी हैं. अगर आप अच्छे हो, तो सारी regiment अच्छी हैं. अगर आप में खुद में दम नहीं है और आप खुद ढीले हो, हल्के हो ना, तो आप चाहे कैसे कलर की मेरून लगा लो, चाहे ग्रीन लगा लो, चाहे रेड लगा लो, आप में दम नहीं है तो यार कोई फायदा नहीं. रेजिमेंट डज नॉट मेक ए है ना मैन, मैन मेक्स रेजिमेंट यू नो. अच्छे लोग आते हैं किसी यूनिट में तभी कहानियां बनती हैं. ठीक है. सो मुझे लगा इट वॉज हार्डली एनी ट्रांजिशन फॉर मी अदर देन द चेंज ऑफ द कलर इन द कैप. पहले ग्रीन थी, बाद में मरून हो गई. मैं वैसा ही था, मेरा स्टेट ऑफ माइंड सेट वैसा ही था, कुछ चेंज नहीं हुआ. ओनली सेट ऑफ पीपल है ना ओवर इन फ्रंट ऑफ मी चेंज हो गए. पहले मैं यू नो आई वॉज वर्किंग विद अ टीम, नाउ आई वॉज इन कमांड वेयर पीपल वर विद मी. माइंड सेट वैसा ही था मेरा. सो जब यूनिट में पहुंचा तो दे सेड कि सर है ना आई एम वेरी प्रिविलेज एंड ऑनर टू हैव वर्क अंडर योर कमांड. मैं बेंड डाउन, मैं मार 20 पुशअप.
मैं मार 50 मार 100, मैं प्रॉब्लम किधर है वैसे सर पता नहीं, मैं आज बोल दिया दोबारा मत बोलना सर, आई सर्व्ड अंडर योर कमांड, मैं सबको क्लियर कर रहा हूं, नोबडी इज गोइंग टू सर्व अंडर माय कमांड, वी आर गोइंग टू सर्व टुगेदर। मैं समझ में आ जाएगी तुम्हारे तो सुखी रहोगे, दोबारा पुशअप नहीं लगेंगे, बट इफ यू कीप रिपीटिंग दिस लाइन सर आई सर्व्ड अंडर हिज कमांड, आई एम सर्विंग अंडर हिज कमांड, इतना हल्का महसूस करने की जरूरत नहीं है, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, उसमें ज्यादा मजा है, यू नो, नीदर आई गेट एनी प्लेजर आउट ऑफ दिस। तो मेरा माइंड सेट चेंज नहीं हुआ, मैं वैसे ही था यार, बट यस वेपन एंड इक्विपमेंट प्रोफाइल चेंज हो गई, काम करने का तरीका चेंज हो गया, ऑपरेशन स्कोप था बहुत चेंज हो गया, है नो, लैंग्वेज ह्यूज ट्रांजिशन, है नो, पहले लोगों को जानता था इतने सालों से, नाउ ऑल ऑफ अ सडन दे वर न्यू फेसेस, पहले सबके नंबर बड़ी मुश्किल से याद किए, नाउ अगेन द सेम नंबर्स आई टू रिमेंबर। तो कई बार ऑफिसर्स कहते बोला सर हम सारे बाहर से आए अलग अलग इनसे, ऑफिसर्स फ्रॉम एसएफ पैरा एंड अदर रेजिमेंट, कहते सर हाउ डू यू रिमेंबर एंड एवरीबॉडी इज नेम इन दिस थिंग, मैंने कहा यार ये यू नो पेरेंट यूनिट की सिखलाई है, अंधेरे में पीछे खड़ा कर दो, मोमेंट इसे जेरी साहब आवाज सुन के बताऊंगा बिल्कुल बंदा कौन खड़ा पीछे, पलट के नहीं देखूंगा, है ना। सो वो जो चीजें वहां सीखी थी वो यहां पे बहुत काम आई, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस सिंस यंगस्टर टिल लेफ्टिनेंट कर्नल वहां पे सीखा था वो यहां पे काम था ट्रांसलेट करने का। एंड प्लस जो चीजें मेरे को लगा ना कि भैया हमेशा मैंने देखी और मुझे लगा कि ये सही नहीं है, वो मैंने अब चेंज करने की अपना वो करी, पूरी कोशिश करी काफी हद तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल फौज में हमेशा बताया जाता है हमेशा कि छुट्टी इज नॉट योर राइट, इट इज योर प्रिविलेज, ये बताते ना, हमारी भी छुट्टी ऐसी कभी मिली 10 बार रद्द हुई है ना, छुट्टी इज नॉट योर राइट, ये आपका हक नहीं है, इट इज योर प्रिविलेज। मैं आते ही अपने ऑफिस के बाहर बोर्ड टांगा, मैं पहला कोट तो मेरा होगा भैया, मैं इसमें लिखो कि छुट्टी इज नॉट अ प्रिविलेज, इट इज योर ब्लडी राइट, ठीक है, इसको ऐसे लिखो, मैं देखना चाहता हूं, तो लिखा उसमें छुट्टी इज नॉट योर प्रिविलेज, इट इज योर राइट, मैं नीचे लिखो एंड इट इज माई ड्यूटी एंड आई एम डैम गुड विद माई ड्यूटी, ये भी लिखो, ठीक है, मैं गिव इट अ शॉट। अब नीचे लिखो कर्नल राजीव, मैं ये मेरे ऑफिस के बाहर लगा होना चाहिए, तो जो भी छुट्टी के लिए आता है सर छुट्टी, तो मैं आई नेवर यूज टू गेट इन टू दैट। अच्छा गोरखास में ये सीखा, जब भी आओगे बिल्कुल एकदम टेक, बिल्कुल जेरी साहब नाम नंबर सो एंड सो इतना प्लेटून ये वो कंपनी फलाना फलाना, छुट्टी जाने के लिए 3 दिन की छुट्टी जाना चाहता हूँ, शर्मा पूरी डिटेल देगा। मेरे पास अब इट वॉज माई टाइम, माइंड सेट एस एफ वाला था, ट्रेनिंग वहां से लेके आया था, ओके मैं बोर्ड लग गया उल्टा करके, प्रिविलेज की जगह ड्यूटी बल लग गया, मैं जो भी आएगा छुट्टी जाने के लिए मैं नो बेल्ट नो टोपी, ठीक है, आई डोंट वॉन्ट दैट सेरेमोनियल थिंग, मैं अभी पुशअप लगेंगे तो 100-100 पुशअप लगवाता मैं, ओके नकल्स पे अभी फिंगर्स पे मैं भी लगाता था, है ना, सुविधा मेजर साहब भी लगाते थे टूआईसी में, एवरीवन जो है लेट जाओ सारे, और मैं तुम्हें से जो भी मन में मेरे बारे में सोच रहे हो ब्लडी सेम टू यू गाइस कीप गोइंग ऑन, तो चलता रहता था शो। आई ओनली यूज टू आस्क ओनली वन क्वेश्चन, मैंने कहा ये बताओ तुम्हें से कोई ऐसा आदमी है जो घर में जा रहा है, घर में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताओ, तो कोई अगर कभी हाथ खड़ा करता है ये सर मेरे घर में दिक्कत है, मैं ओके आप लाइन तोड़ो आप बाहर आ जाइए एंड वंस द इंटरव्यू इज ओवर मे यू कम टू माय ऑफिस, सो आई यूज्ड टू हैव अ डिटेल सेशन विद हिम, मैं क्या दिक्कत है कब से है व्हाट आई कैन डू फॉर यू, आई यूज्ड टू ओपन माय हार्ट, है ना, ताकि बंदा मुझे बताए। बाकी जो जनरल हैप्पीनेस में जा रहे हैं मैं अच्छी बात है बट डोंट गिव मी रीजंस, घर में दिक्कत है छुट्टी है, झूठ नहीं बोलना, सच बोलो, 30 दिन मांगो 60 दिन दूंगा छुट्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो जो सर्विस में देखा था ना यार कि ये लोग बोलते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता काम, वो सारे स्टंट ट्राई करके देखे, व्हेन आई वाज इन कमांड, है ना, एंड आई रियलाइज कि दैट इज द वे टू गो अबाउट इट, मजा आ गया। एनी फनी इंसिडेंट यू सेड, एक जंप्स का बताता हूँ फनी इंसिडेंट, हम लोग जंप के लिए गए, जंप ट्रेनिंग चल रही थी, अभी इट जस्ट हैपेंड कि जंप के लिए ना तकरीबन लग जाता है 1.5-2 महीना तैयार होने में आपको, ट्रेनिंग देन जंप सॉर्टीज वेदर कंडीशंस एंड अदर थिंग, टाइम वाज लेस, तब तक मैंने रैंक पिकअप नहीं किया था बट मेरा रिजल्ट आ गया था, सो आई वाज टोल्ड टू चॉइसेस, पहला कि पहले रैंक पिकअप करो एंड देन उसके बाद में ट्रेनिंग करो और फिर अपना जंप करो, दूसरा पहले जंप कर लो और वो कर लो, विच एनी वाइज मैन विल नॉट टेक एन ऑप्शन, व्हाई, बिकॉज अगर कुछ हो गया छोटी मोटी चोट लगी तो कमांड तो गई, अब लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हो गए, वी विल नॉट गेट ए कमांड, बट ठीक है टूट फूट ही होगी ना, मैं बर्दाश्त कर लेंगे मैं, बट सर जब मैं आ रहा हूं तो उसके बाद में एयरबॉर्न एक्सरसाइज सारे कूदेंगे और मैं नीचे बैठ के ढक्कन की तरह देखूंगा, हो नहीं पाएगा मेरे से, करना है पहले, तो करा हम लोगों ने, एड गिनती के दिन थे मेरे पास में, गए हम लोग ट्रेनिंग करने लगे, यार दबा के रगड़ा, सॉलिड रगड़ा, रैंक रूम तो हम लोगों ने रख दी थी, मैं भैया रख दो जब तक यहाँ पे है, रैंक रूम का कोई लेने देने भैया स्टूडेंट, जितना बजा सकते हो बजा दो खुल करके,
बहुत अच्छे सिखाने वाले थे, हमने भी बहुत अच्छे से मेहनत करके सीखा, बैटल ऑब्स्टेकल कोर्स था, जंप थे, है ना, सारी चीजें सीखी। फाइनली द डी डे केम कि आज जंप करनी है, तो हम लोग अपना यूनिफॉर्म वगैरह लगाई एंड घर से चल दिए डीजेड की तरफ, वहां से हमने बोर्ड करना था। नाउ डीजेड की तरफ जब हम लोग जा रहे थे तो मेरे साथ में वन ऑफ माय नेबरिंग बटालियन कमांडर, ही वाज सिटिंग विद मी, ही हैपेंड टू बी माय सीनियर, वेरी डियर फ्रेंड। मैंने कहा सर आप बैठो मैं ड्राइव करता हूँ। हम ड्राइव कर रहे थे एंड सर कभी गुनगुनाते मैंने सर को नहीं सुना, वो कभी गाते भी नहीं थे। उस दिन पता नहीं उनके अंदर का क्या तानसेन जागा, ही स्टार्टेड सिंगिंग ऑल ऑफ अ सडन। एंड इमेजिन मेक ए वाइल्ड गेस, क्या गाना गा सकता है आदमी व्हेन यू नो कि इट इज योर फर्स्ट जंप एंड आप जंप के लिए जा रहे हो। अच्छा कॉन्शियसली नहीं, ऐसे ही अपने आप ही गुनगुनाने लगे, कहते हैं मौला ले 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 मेरी जान। तो मैंने कहा ब्रेक मारे मैं सर हैव ए हार्ट यार, और पहली जंप है ना, इतने मोटिवेशनल सॉन्ग गाओगे तो मुझे नहीं लगता अपना कुछ निकलने वाला है। मैं सर वैसे तो गाने गाते नहीं हूँ, आज आप में तानसेन की आत्मा आ गई है और ऐसा थीम बेस्ड सॉन्ग उठाया आपने कि मौला ले ले मेरी जान। ऐसा सरस्वती ना जवान पे एक बार बैठती है पूरे दिन में, एंड मैं यू नो अगर वो विश ग्रांट होगी ना तो यू नो वेयर वी आर गोइंग, यू नो, बिकॉज गाना इतना थीम बेस्ड गा रहे इतना। मैं सर स्टॉप सिंगिंग दीज मोटिवेशन सॉन्ग, मैंने सिर वो शर्ट यार पहला जंप है सॉरी यार, पता नहीं क्यों अचानक से मैं गाना गाने लग गया, ये बोला बंद कर दिया। हम फिर बात करते रहे हंसी मजाक की, फाइनली व्हेन वी क्लोज डाउन, जैसे मैंने एंट्री मारी डीजल में गाड़ी के साथ में, अचानक से सर का फिर वायरस जाके कहते मौला ले ले। मैंने कहा सर मुझे नहीं लगता आज वी आर गोइंग टू हैव हैप्पी लैंडिंग्स, आप केस क्लोज करा के छोड़ोगे। मैं सर खबरदार जो गाना गाने की सोची भी, गाना तो दूर की बात है। फाइनली उसके बाद में वी वेंट वी जंप्ड एंड इट वाज ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस एंड अगेन फर्स्ट लव काइंड ऑफ थिंग, फर्स्ट जंप यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग, ग्रेट फीलिंग लड़कों को मतलब वो पीटी करा रहे हो जिम में, लाइक यू नो वो बटालियन एरिया सेशन जो होते थे अपने अकेडमी टाइम में, और वो खेतों के बीच में हाथ पकड़ के वो दौड़ रहे लड़के जोश में, मतलब सर व्हाट वाज दैट, मतलब व्हाट इज योर विजन, आप व्हाट वाज गोइंग ऑन इन दैट वीडियोस, मतलब सिमरत उसका क्या था, व्हेन आई केम होम आफ्टर क्लोजिंग माय इनिंग्स आई वेंट टू माय पैटर्नल विलेज। पैटर्नल विलेज में यहाँ पे गौरव पट करके एक चीज होती है, रोल ऑफ ऑनर, तो वहां पे मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा है, फिर फादर का नाम, फिर दादाजी का नाम। सो आई थिंक यू आई मस्ट पे बैक समथिंग टू द रूट्स एंड फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग। So with that idea, I had gone there. I made a 400 because नौकरी बड़ी बुनियादी जरूरत है काम आदमी की, है ना। मैंने देखा कि हर 15 किलोमीटर में ना एक आदमी खोला है कि ये अकेडमी वो अकेडमी है ना, और सारे गारंटी लेते हैं कि हम आपको वे फौज में नौकरी दिलाएंगे। जैसे है ना उनके बाप ने ही मतलब तैयार कर रखा है सारा, कि उनसे परमिशन लेके ही होगा सिलेक्शन। अरे फौज में नौकरी मिलती है काबिलियत के आधार पर, बट नहीं वो गारंटी लेते हैं, लोग जाते हैं। खानदान में 5 पुश्तों में किसी ने फौज की शक्ल नहीं देखी दूर दूर से, लेकिन वो कहता है हम आपको फौजी बनाएंगे, और फिर भी लोग जाते हैं। सो विद दैट थिंग आई थॉट कि यार आई विल डू समथिंग फॉर दीज गाइस एंड आई वेंट देयर। मैंने उस समय खेतों में ट्रैक्टर भी चलाया, एक ट्रैक भी तैयार किया मैंने यार, मतलब क्या कुछ नहीं करा उस समय, कॉरिडोर में झाड़ू मारा। आई लोगों ने बोला पागल है आदमी, मैं कोई बात नहीं, बोला यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, मैं नो इश्यूज, बट आइडिया वॉज कि आसपास के गांव से जितने बैठे ना धुरंधर जवान सबको फौज में फिट कर दूंगा, पर सिर्फ मेहनत करके। तो मैंने वो सब करना शुरू किया, आई रियलाइज कि उनके ट्रेनिंग करने का तरीका ठीक नहीं है, गांव से है ना वॉक करते हुए आएंगे ग्राउंड में आएंगे और एक बार ऐसे करेंगे ग्राउंड में ना यूं दो चक्कर लगा के हल्का फुल्का दौड़ेंगे, जाते समय फिर एक बार वो मैं भाई ये माथे में मिट्टी लगाने से कोई क्रांति नहीं आएगी, ट्रैक यही रहेगा, खुद दौड़ना पड़ेगा। तो आई टोल्ड देम जिसका वजन कम था मैं वजन कम किया, आई हैव माय यूनिक स्टाइल्स बिकॉज आई हैव बीन फिजिकली डैम फिट, कमांडो बेस्ट इन फिजिकल, कैमरिन पेट्रोल चैंपियन माय टीम, सो आई थॉट कि मैं यार करते हैं ना इनके लिए, तो मैं उनको कार्ड फीट करके फिट लेके आया। मैं उनको डेजर्ट्स में लेके जाता था, मैं डेजर्ट्स में दौड़ोगे जब आप हाथ पकड़ते हो ना मेंटल ब्लॉक के जाता है, मगर दौड़ोगे दौड़ने के साथ चिल्लाओगे, तो बड़े हाईली अनऑर्थोडॉक्स थे। मैं फर्स्ट आई विल मेक यू मेंटली स्ट्रॉन्ग, देन उसके बाद आई विल मेक योर एंड्योरेंस वेरी हाई एंड देन आई विल वर्क अपॉन द स्पीड एंड आई कुड अचीव ग्रेट रिजल्ट्स ऑल्सो। बट मैंने एक चीज रियलाइज करी यार, कितनी भी कोशिश करो ना, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग फॉर फ्री पीपल रियलाइज ना कि इसका फालतू टाइम बहुत है ना, एंड एवरीबडी सेड कि सर हम इतने पैसे दे देंगे बट मेहनत नहीं करेंगे। मैंने कहा फिर यार हमें नहीं लगता हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होने वाली है, बिकॉज मेरे को आती दो चीजें सिर्फ, एक मेहनत करना दूसरा ईमानदारी,
और आप कह रहे हो कि हमें दोनों में से कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ पैसे देके जाना है, तो मैं प्लीज ना, ये एकेडमी जो बनी है वो ठीक बनी है, दिस इज वेर यू बिलोंग. सो आई स्टार्टेड विद अ गुड ग्रेट विजन, आई गिवन इट अ बेस्ट शॉट, आई हैड पुट इन माय बेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली द रियलिटीज आर एन अ वेरी डिफरेंट. बट आई डिड नॉट लूज होप, मैंने बंद किया वहां पे, फिर बीच में कोरोना अंकल केम सेड नॉक नॉक, सो दैट वाज टफ टाइम, सो आई हैड टू क्लोज डाउन एवरीथिंग, सो दैट थिंग इज नो लॉन्गर इन द ग्राउंड, इट क्लोज्ड नाउ, पीपल आर टेलिंग यू सर यू कम बैक. Now they are feeling ki, you know, there was a guy who actually wanted to do and he could achieve thing. But now I am not ready to go back. I realized ki jisme drive ki kami hai na, khud, wo nahi kar sakta. So I realized ki those who are aspirants and they want to, you know, become officers in army, at least self auto drive bahut strong hai. Karna chahta hai, chahe wo mazdoor ka bachcha ho, chahe uske father auto rickshaw chalate ho, if he takes pride in his roots, ki sir mere father mazdoor hai, but main officer banna chahta hu. Mujhe bas itna hi chahiye candidate mein. Agar aisa hai, baaki product main taiyar karunga. So I started with a one number. Somebody was telling है ना, जैसे अभी कुछ दिन पहले कि सर से मेरे बहुत थोड़े से फॉलोअर हैं सर, आप में से बात करोगे 38. मैं क्यों, बस सर 38 ही है. मैं कम ऑन डैम इट बड़ी, जब मेरा पहला था मैंने खुद नहीं बनाया अपना इंस्टा हैंडल, मेरे स्टूडेंट ने बनाया था, कहता है सर प्लीज सर पीपल नीड टू नो यू, आप ना खाम खा नहीं आ रहे. मैं कोई बात नहीं यार, आई एम हैप्पी दिस वे. सो ही मेड मै, आई स्टार्टेड विद फिगर ऑफ वन, और वो वही था जिसने खोला था. But I was so super excited, my gut, to start with, one is a great number. मैं एक में भी इतना खुश था, मैं तू 38 में भी तेरा रोना पूरा नहीं हो रहा भाई, तू what you want to do in life? मैं बहुत खुश था मैं एक में कि good, आज सबसे तगड़ी fan following बैरवान की है, एक आदमी है मेरे पास में वो मेरा student है, good. But he stays in Kanpur and he said कि सर मुझे आपके आसपास ही रहना, he is disposed of everything in Kanpur, his parents and they shifted, he is staying next door here. This is my achievement. At least कितने academy जो कह रहे कि बंदा दूसरे अपना state से छोड़ के आ गया उसके सामने, नो मेरे पास में है ऐसे product examples and I got so many examples like this. So मैंने शुरू वो किया था, I landed up doing this and अभी I do mentoring and मजा आ रहा है यार, गजब मजा आ रहा है. And वहां पे भी it was good. मैं उस समय में उतने time पे जो दे पाया लोगों को ईमानदारी से वो मैंने कोशिश करी समरथ, है ना. बाकी rest is up to people how they look up to it, है ना. But I realized कि है ना, लोगों को अपने ऊपर काम करने में विश्वास नहीं है, दूसरे पे ज्यादा भरोसा है. कोचिंग एकेडमी जाऊंगा तो पक्का कुछ क्रांति लेके आऊंगा. अरे गांव का आदमी है, उसको भी अगर ना दौड़ने के लिए कोचिंग में जाना पड़ रहा है, अरे खेत तक चला जा चक्कर लगा करके दौड़ के आ जाते हो यार, उतने में भी फिट हो जाएगा आदमी, है ना. बट करना नहीं चाहते सर. सर आई हैव बीन वेरी लकी दैट यू नो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए माय पेरेंट्स डिडंट अलाउ मी ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक एंड ऑल. So I was though I had an account on Facebook that was strictly for you know family. But sir, these days you know when, while I'm watching people, they are more interested in seeing ki academy mein kya ho raha hai, para special forces mein ho kya raha hai andar, and not interested in actually working. Matlab I have not seen a chap till now jo para mein jana chahta hai aur wo you know he is working on his physical fitness. Rather, that guy is, you know, watching Insta reels or wo videos or para motivation wagera. And, you know, there's so much content online these days. So, sir, what is your message to that aspirant and what he should do actually and not what he's consuming? Sir, that's a very good question and you had asked. In fact, this is a need of the hour, you know. Yes. Kevar, mereko koi poochta hai, sir, ye para SF में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं खुद को तोड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है. एंड इट्स नॉट अबाउट पैरा SF, किसी भी यूनिट में चले जाओ काम तो करना पड़ेगा यार. पिक्चर पे लाइक मारना थंब दिखाना बड़ा आसान काम है, इट डजंट टेक एफर्ट, है ना. आदमी नींद में भी मार सकता है उंगली, दारू पी के भी मार सकता है, बट यार जब ग्राउंड पे करने की बारी आती है ना तब आप सबसे पहले दम तोड़ते हो. सर ऑपरेशन स्टोरी सुनाओ, मैं क्यों सुनाऊं भाई, व्हाई शुड आई टेल यू माय ऑपरेशन स्टोरी, ठीक है. उससे क्या होगा, आप मेरे को 10-15 लाइक और दे दोगे, बट ठीक है, दैट्स माय टेक, है ना, पर्सनल. बट यू नीड नॉट नो, आई वांट यार यू क्रिएट योर ओन स्टोरी ताकि लोग आपकी स्टोरी सुने. भाई मैंने जो करना था अपने टाइम पे जो कर लिया वो फाइन, आई डोंट इवन डिस्कस, है ना, विद माय कोचमेंट. भाई मैंने ले लिया मजे, आपने मजे लेने आप करके दिखाओ. मेरे पास जो आता है सर, मैंने SF में जाना है, मैं इधर आ जाओ बेंड डाउन, ठीक है, आई कैन शेयर वीडियोस विद यू. मैं दो उंगली पे लगाते हैं, कैसे उंगली पे तो कैसे लगेगा, मैं कमाल है, तो एक अंगूठे और उंगली पे लग जाएगा सर, कैसे हो पाएगा. मैं इस पे कर लेते हैं सर, ये तो नहीं हो पाएगा. मैं भाई हाथ पांव में दम नहीं, लेकिन ना साला हम किसी से कम नहीं, ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं. अरे अगर आना है तो यार करके दिखाओ, ठीक है. सर वीडियोस सुनना, कहानी देखना, ये सब मोटिवेशन के लिए ठीक है,
बट एटलीस्ट एट द सेम टाइम है ना, यू शुड अप्रिशिएट दैट मैन हु इज वेयरिंग दैट मरून बेरे और एनी रेजिमेंट हु इज डन समथिंग, कि यार इस आदमी ने कितनी मेहनत करी होगी, ठीक है, वो कोई नहीं करना चाहता. सो प्लीज है ना, रील और रियल लाइफ में अदर देन स्पेलिंग ऑल्सो देयर इज अ डिफरेंस, दैट ए मेक्स अ डिफरेंस. सो आप रील में घुसे रहो या तो जिंदगी भर, और यू कम इन द रियल रियल लाइफ में आओगे तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना. एंड अगर आप बोलते हो कि भाई ये SF का बंदा है या मैंने ये सुना है, तो अगर आप देखते हो किसी को, सुनते हो, आपको लगता है कि वो जोश से बात करता है, तो प्लीज यार आप भी बात करो. जब बात करते हो कहते हैं सर मैंने SF में आना चाहता हूँ. मैं, ओ भाई मेरे में जो एनर्जी तूने सारी निकाल दी, तू नहीं मत आना यार. तू आना चाहता है तो तू मेरी तरह जोश से क्यों नहीं बात करता, है ना. तू आया सर मेरे को SF में आना है, मैंने छाती में जोर से मुक्का मारा, मैं जोर से बोल. कहते सर मैं SF में, मैं जोर से बोल ऐसे बोला. तो कहते सर वो मैं तीसरी बार, तो भाई कहते सर नहीं आना, तो नहीं आना तो ऐसे बोल. अगर आना है तो यार तू फिर बात भी मजबूत कर, ग्राउंड पे काम भी तगड़ा करके दिखा. ग्राउंड पे कुछ नहीं करना, बस आना है सर, करना है सर. ओ भाई इतनी रोमांटिक फीलिंग मत लो यार, इट्स नॉट दैट इजी. फौज में जवान भर्ती होना मैं कहता हूं जोर लगता है, लेकिन आप मेहनत नहीं करने के लिए तैयार हो. मेहनत करोगे, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको कोई रोक भी नहीं सकता, लोग आपको सपोर्ट करते हैं. मैं एक एग्जांपल दूं सिमरता को. सिमरता भी लोग बोलते हैं ना सर ऑपरेशन के बारे में बताओ. यार अगर मैं आपसे काउंटर सवाल करूं और मैं पूछूं उन कैंडिडेट से कि मैं बेटा आप ये बताओ कि 24 घंटे में आपने क्या किया, बहुत बड़ी तादाद ऐसी निकलेगी जिन्होंने घर के बेसिक बुनियादी काम भी नहीं किए होंगे 24 घंटे में. मम्मी ने बोला होगा बेटा ये कर दो, मम्मी टाइम नहीं है, मम्मी मैं थोड़ा बिजी हूं, और इस टाइम लगा होगा मैं उधर जा रहा हूं दोस्त के पास में. घर के अपने काम नहीं कर सकता, अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी नहीं दिखा रहा है, बट जाना है SF में. यार मैं अपने से पहले अपने बंदों के बारे में सोचता हूं, ठीक है. इट इज समथिंग लाइक किसी ने पूछा सर वो GTU में कई बार वो बोलता है इस तरह आपको टास्क में आगे होना चाहिए पीछे होना चाहिए, मैं इसमें कंफ्यूजन क्या है. बोला नहीं सर वो कहते हैं एज ए लीडर है ना यू शुड लीड, या फिर तुम यार खतरे में डाल दिया बंदों को, तुम्हें तो पीछे जाना चाहिए सबको ले जाके. मैं सुन दिस इज ऑल थ्योरी टू टेस्ट योर पेशेंस, यू शुड बी योर क्लियर माइंड. मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल इफ यू आस्क, अगर मैंने एयरक्राफ्ट के बाहर जंप करनी है, देन एज ए कमांडिंग ऑफिसर आई वॉज वेरी क्लियर आई शुड ऑलवेज बी द फर्स्ट वन. हवाजहाज से कूदने वाला पहला बंदा मैं होगा, बट उसी हवाजहाज में अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और बाहर कूदना है, देयर इज सम प्रॉब्लम, देन आई नो आई एम द लास्ट मैन हुज लिविंग, तब बाकी लोग पहले जाएंगे. ऑल सर्कमस्टेंसेस देन आई विल लीड, बट अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी आई नो इट इज गोइंग डाउन, देन आई विल बी द लास्ट वन, आई विल प्रेफर टू बी द लास्ट वन. मैं इतनी सिंपल सी चीज है, मैं इसमें क्या GTU की ट्रेनिंग चाहिए, एंड व्हाई कांट यू आंसर इन दोस मेनी वर्ड्स. सो SF में एक ऑपरेशन क्या होता है यार, वो इंटरेस्ट अच्छी बात है, होना चाहिए, बट यार अपनी बेसिक जो ड्यूटी है आपकी ना एज ए फादर, एज ए सन, एज ए फादर बोल रहा हूँ, सॉरी आई होप नन एज फादर, नो फादर्स आर सिटिंग इन दिस सेशन, है ना. मतलब एज ए सन, एक बेटे के तौर पे, भाई के तौर पे, स्टूडेंट के तौर पे, एज ए इंडिविजुअल आपकी जो बेसिक जिम्मेदारी है, नैतिक है ना, मॉरल एंड एथिकल ड्यूटीज, क्या वो पूरी कर रहे हो. हाउ मच यू सपोर्टिंग योर फैमिली एंड अदर पीपल, इफ यू आर डूइंग देन इज फाइन, इफ यू आर नॉट देन प्लीज यार यू आर यू नो थिंकिंग ओवर बोर्ड. तो वहम से बाहर निकलो, पहले अपने आप को आप वो करो बेसिक जो आपका काम है, देन उसके बाद में एडवांस स्टेज पे, ठीक है. सो दैट इज माय मैसेज यार, काबिलियत सभी में है, बट अंटिल अनलेस यू टेल समवन, कुछ लोग रियलाइज कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते, है ना. वो सारे टेररिस्ट है ना वो यूट्यूब पे ही मारेगा, है ना, गेम में ही मारेगा, ठीक है, बट ग्राउंड पे जब आएगी तो उसके बाद में बोलेगा सर मैंने पोजीशन ली थी. बोला कहाँ? बोला सर सिखलाए हुए तरीके से. अरे पोजीशन आगे लेनी थी, पीछे कहाँ गए थे? अपनी कन्वीनियंस जोन से बाहर आइए, एंड डोंट टेक कॉल्स इन द लाइफ एज पर योर कन्वीनियंस, कि मेरे को सूट करता है तो चलो अभी ये कर लेते हैं, अब वो मुझे ठीक सो लेता है तो मैं ये कर लेता हूँ. डोंट डू दैट. समरित, आई वॉज गिविंग यू वन एग्जाम्पल. यस सर. मैंने रिक्रूटमेंट रैली में एक बार देखा, मैं स्क्रीनिंग कर रहे थे, आई हैव सीन वेरी जवान यार, उसकी टांग टूट गई, है ना, कांच आ गया कहीं, जबकि होता नहीं ट्रैक में, आई डोंट नो हाउ दिस मैजिक हैपेंड, पूरी टांग निकल गई, खून आ रहा था, एंड ही वाज सो हार्ड प्रेस्ड कि लाइन में मेरे को पीछे ना बिठा दें, उस चक्कर के अंदर ही इज नॉट टेकन ए क्रैप फॉर लास्ट है ना मोर देन 24 आवर्स, एंड वो दौड़ते दौड़ते उसने नंबर 1-2 एवरीथिंग इट एट, बट वो रुका नहीं वो लड़का यार, यू नो व्हाई, बिकॉज जब वो आया तो लोगों ने बोला सर इसने ये कर दिया है. मैंने कहा वो बंदा नंगे पैर था, पैर पूरा मांस फट के बाहर आ रखा था, खून निकल रहा था, देन ऑन टॉप ऑफ दैट है ना उसके स्टमक अपसेट एंड एवरीथिंग, बट वो लड़का फिर भी सबसे पहले आया. यू नो व्हाई? मैं तुम लोगों को शौकिया तौर वाले कोचिंग एकेडमी से आए हैं, एक टी शर्ट पहन के आए हो, किसी को आगे नहीं जाने देंगे. आई तो मैं इसको आगे करूँ, इधर बिठा पीछे बिठा बिठा, सर साथ बैठेंगे, मैं कोचिंग में बताया होगा आगे मत जाना है, लाइन बना के चलेंगे, मैं तुम्हारा बाबू हूं.
वो लोग परफॉर्म नहीं कर पाए, क्यों? ज्यादा दिमाग लगा रहे थे, ओवर बोर्ड थिंकिंग कर रहे थे, बट जिस आदमी की जरूरत थी ना, जो आदमी जरूरत के लिए दौड़ा, वो अपना नतीजा निकाल गया। तो है ना, प्लीज ट्राई टू है ना फाइंड आउट कि भाई आपका पैशन है या आपकी जरूरत है, बहुत हालत है ना, यू कैन टेक आउट द नतीजा, बट अगर अदरवाइज सिर्फ सारे काम मीडिया पे ही करने हैं फिर मुश्किल काम है यार। बट सर मैं आपको एक छोटा सा वही सब पैरा मेंटेलिटी की आप बात कर रहे थे सर, तो सर हम हमारे कोर्स में जब हमने ज्वाइन किया सर, तो हम सब एवरेज थे और हम में से एक बंदा था वो थोड़ा वीक था, उसको लेट इट बी डोडो, उसका नाम डोडो रख देते। तो सर यू नो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू नो जब हमने ज्वाइन किया था, एवरीवन इज लाइक यार ACC बनेंगे, सॉर्ड ऑफ ऑनर बनेंगे और पैरा में जाएंगे, वो जो सपने शेख चिल्ली के बुन के आते हैं एस्पिरेंट, जैसे ही वहां पे आते हैं सर तो यू नो वी गेट टू नो कि एकेडमी में असली में होता क्या है, और यू नो थिंग्स गो साउथ एंड दैट डोडो ही इज परसिस्टेंट, मेहनत करता है, उसके रात में केबिन में जाओ एक्स्ट्रा पीटी करके भी आते, तो वहां पे जाके पुशअप्स मार रहे हैं केबिन में, एंड ही इज लाइक यार ये मेरा सपना है, मेरे को ये करना ही है किसी भी हालत में। और मतलब सर उस बंदे ने इतना पुट इन मारा सर, एंड नाउ ही इज इन 9, सो मतलब वी ऑलवेज लाइक से हैट्स ऑफ टू हिम। और उसने जो कैंप्स में यू नो ही सपोर्टेड, एक स्ट्रेचर, दो LMG, राइफल, RL सब लेके वो भाग रहे एंड में कि भाई बस भागो, एंड यू से हैट्स ऑफ टू हिज मेंटेलिटी एंड यू नो हिज स्पिरिट, कभी गिव अप नहीं करता था एक्चुअली। सो नाउ आई कैन सी कैसे मतलब कैसे मेंटेलिटी बिल्डअप होती है ऐसे लोगों की, वो इन स्पेशल फोर्सेस, नॉट लाइक जो रियल विद ए वाला जो आपने कॉन्सेप्ट बताया ना सर। तो सर एक एस्पिरेंट है, इफ ही इज प्रिपेयरिंग फॉर SSB, देन हाउ शुड ही प्रिपेयर, व्हाट इज द आइडियल वे रेदर देन व्हाट द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रेदर देन यू नो दे से, व्हाट डू यू? ओके, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन, आई जस्ट वांट टू इनपुट फ्रॉम योर एंड, आस्क हिम दिस इज हिज फर्स्ट टाइम और ही हैड अपीयर्ड अर्लियर, दिस इज वन क्वेश्चन, इफ यू कैन आंसर दिस। ओके सर, सर फर्स्ट टाइम सर, फर्स्ट टाइम, हैज ही टेकन एनी फॉर्मल कोचिंग फ्रॉम एनीवेयर? No sir, nothing. Raw, एकदम raw. 12th का बंदा, first 12th का बंदा. So, now the last question is, किस चीज में उसको डर लगता है? His weaknesses. And what he is doing about it? क्या कर रहा है? Sir, ऐसे in general he is, we didn't have any conversation, but one of the questions which जो generic है कि how should, what is the ideal way for a candidate to prepare rather than rote learning or that was the question, sir. Okay. यार SSB है, देखो तीन चीजें हैं. If he is asking generic है ना, I also have to frame my answer in a generic. Sir. Training, I assume because you're telling कि कहीं से नहीं ली है. Fine. Understood. मैंने भी नहीं ली थी. No दिक्कत. But जानकारी पूरी होनी चाहिए कि 5 दिन की cycle में what all happens, you know. तीन चीजें होती हैं basically. एक interviewing officer अपनी duty पूरी करता है जहाँ पे है ना, you are grilled personally with the interviewing officer. घंटा भर आप उसके पास में हो. दूसरा GTO है जिसके अंदर कुछ चीजें ग्राउंड पे आपसे कराई जाती हैं, और तीसरा है जो आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट में होती है, यहाँ पे यू आर राइटिंग VAT है ना, आपका TAT, SRT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. सो कुल मिलाकर अगर आप देखते हो, आपने गूगल पे भी देखा होगा, कहीं यूट्यूब में भी सुना होगा, तीन चीजें आती है निकल के, मनसा, वचना, कर्मा. ठीक है, मनसा दिल और आपका दिमाग है, आप अच्छी सोच रखो, मजबूत सोच रखो दिमाग में, यू नो तेज सोचो, बढ़िया सोचो, ठीक है, उसमें डाउट मत रखो. दूसरा वचना, जब बारी आती है बोलने की, चाहे वो लेक्चरेट देना हो, चाहे वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर से बात करनी हो, अपनी बात बुलंदी से रखो. कोई चीज नहीं पता सर, आई डोंट नो दिस बट आई विल फाइंड आउट द आंसर, पता है तो प्लीज शेयर द डिटेल्स एंड कॉन्फिडेंटली बताओ. एंड लास्ट चीज है कर्मा. कर्मा हैज गॉट नो मेन्यू, वो वही चीज है जो ग्राउंड के ऊपर है. आप अपना काम मजबूती से करके दिखाओ, कहीं कूदना है जोर से कूदो, कहीं दौड़ना है तेज दौड़ के दिखाओ, कहीं लोगों की ग्राउंड पे मदद करनी है मदद करो. You know, don't get into competition mode. Be a part of the group. ठीक है? 5 दिन है आपके पास में. 5 दिन में जितनी भी एक्सरसाइज करोगे, तीन चीजों के दायरे से बाहर नहीं जाएगी. अच्छी मजबूत सोच, साफ सुथरी, अच्छा पावर ऑफ एक्सप्रेशन, अच्छे से अपनी बात रखो मजबूती से. तीसरा ग्राउंड पे अच्छा करके दिखाओ. That is all about SSB. बाकी विद रिगार्ड्स टू टेस्ट है, एनी रादर देन आस्किंग जेनरिक क्वेश्चन, आपको पहले जानकारी मजबूत होनी चाहिए कि भैया 5 दिन में क्या क्या होंगे. पहले दिन मुझे PIQ फॉर्म भरना है. ठीक है, लोग इसको नल एंड वॉइड क्रिएट कर देते हैं कि अरे छोड़ो यार फॉर्म के बारे में क्या, मुझे इंटेलिजेंट बता रहे हो, मुझे सब पता है. बट नहीं, आई टुडे ओनली आई हैड मेड, नहीं मैंने बनाना था, आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑन दिस.
PIQ फॉर्म जो है वो मदर डॉक्यूमेंट होता है विच गोज टू टू इंपॉर्टेंट पीपल एंड हु इज गोइंग टू डिसाइड योर फेट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस. एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास जाएगा, दूसरा साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा. आप जो भी चीज सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में लिखोगे, साइकोलॉजी में परफॉर्म करोगे, इंटरव्यू में दोगे, पीपल विल है ना चेक यू ऑन दोज एस्पेक्ट्स. मैंने लोगों को पूछ के देखा, उनको ये भी नहीं पता होता कि टोटल दो पेज में कितने कॉलम होते हैं. देयर आर टोटल 14 कॉलम्स. लोगों को ये भी नहीं पता होता, उनको लगता है सिर्फ ऐसे ही पूछा है कि इसमें ये डिटेल मांगी हुई है. नो, फौज में यार जो भी चीज करते हो ना, इट इज वेरी स्पेशली डिजाइन एंड प्रोग्राम आउट ऑफ लॉट ऑफ रिसर्च, टाइम टेस्टेड ट्रायल ड्रिल्स हैं सारी. तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि भाई एक मदर डॉक्यूमेंट है फौज में. अगर वो कागज लिख रहे हो और आप उसका बॉक्स के बाहर निकल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा लिख रहे हो, ओवर राइटिंग कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, यू आर इन्वाइटिंग प्रॉब्लम बिफोर द वॉर है ना, बलून गोज अप. तो लोगों को पता नहीं होता. तो अपनी जानकारी पुख्ता करो. नंबर वन, आपको पता होना चाहिए PIQ क्या है, क्यों भरा जाता है, इसमें कितनी डिटेल्स आती हैं, इसमें से कितने क्वेश्चंस निकलते हैं, उन क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए. सो इफ यू रियली वांट टू लर्न अबाउट SSB, दिस शुड बी द अप्रोच. एक होलिस्टिक अपना नॉलेज रखो, होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए. जितने भी आपके जो टेस्ट हैं उसके बारे में बेसिक कंडक्ट कैसे होता है, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बेसिक रूल्स क्या हैं, ये सब चीजें पता होनी चाहिए. एंड उसके बाद में ना, अब लोगों का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, यूट्यूब. कि यूट्यूब पे ना फलानी एकेडमी, वो एकेडमी, दूसरों के नंबर देख करके है ना, दे कीप गोइंग देयर, सर मुझे भी ऑफिसर बनना है. मैं बता बता के थक गया. वो मैं भाई, मेरे भी कैंडिडेट्स हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग रॉकिंग. मतलब आई डोंट थिंक मेरा कोई, इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ स्टैट, तो आई थिंक मेरा रिजल्ट इज 95% अबव. बिगेस्ट फाइट इज PPDT. पहले दिन लोग जाते हैं वापस आ जाते हैं, मेरा बंदा वापस नहीं आता. जिद है, he knows how to go inside, and इसमें कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ मेहनत है, ठीक है. बट आई टेक लॉट ऑफ क्रेडिट, बट आई एम नॉट मेकिंग ह्यू एंड क्राई. देखिए इसकी फोटो देखिए, मैंने ये कर दिया, मेरे बंदे ने कर दिया. पहली बात तो मैंने घंटा कुछ नहीं किया, मेहनत बंदा करता है, मैं सिर्फ करवाता हूं, ठीक है. बट जो चला गया उससे कोई लेने देना नहीं है. ही कैन ओनली मोटिवेट यू, बंदे ने मेहनत करी, मैं भी जाता हूं. बट लोग पहुंचते टिप्स लेने, सर बताना जरा कैसे गए, सर आपने क्या किया, ठीक है. कोई ये नहीं सुनना चाहता कि उसने मेहनत करी, भाई मैंने दिन रात एक मेहनत, सर ये छोड़ो सर, और बताओ और कैसे किया. वो अपने काम की बात कल आउट करते हैं वहां से. सो यार आप एक बार है ना करके देखो. अगर आपको मालूम है वहां लेक्चरेट देना है, आपको पता होना चाहिए एक लेक्चरेट 3 मिनट कैसे देना है. तू मेरे को अभी एक इम्प्रॉम्प्टू टारगेट दे दे, कोई भी एनी टारगेट. यू कैन आस्क योर कैंडिडेट, यू आस्क हिम वो कैसे बोलेगा 3 मिनट, ठीक है. और फिर मैं बताता हूँ 5 मिनट उसको कि कैसे बोलना चाहिए. And then you see his confidence after 5 minutes, को बोल पाता नहीं बोल पाता. मैं अभी validation करा देता हूँ, open challenge है. So यार जब पता है वहां जाके बोलना है, तो वहां लोग ना try करने जाते हैं. Good morning sir, बोला sir I finished. ओ भाई तूने कुछ बोलना है? नहीं सर इतना ही था. पता है 3 मिनट बोलना है, तो भाई प्यारे तुम मेहनत करके क्यों नहीं आए? सर एक बार देख के आता हूँ. यार इतनी दूर देखने मत जाओ, ऐसा करो कि लोग आपको देखें. SSB यार देखो मेहनत मांगती है. मेरा कंसेप्ट क्या है, अभी जैसे लोग बोलते हैं 14 दिन पैन इंडिया, ये मैंने कंसेप्ट देखा है. आई डिड लिटिल बिट ऑफ स्टडी कि 14 दिन में हम कमांडो बनाएंगे. घंटा 14 दिन में कैसे बनाओगे भाई? हम 10 दिन में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेंगे, फलाना कोर्स होगा. कैसे भाई? मैं कह रहा हूं मेरे जैसे उग्रवादी की कर दो तुम पर्सनैलिटी ठंडी, मेरा जोश कम करके दिखाओ. ये मेरे भी चेंज ले आओ 10 दिन में, मैं मान जाऊंगा आपको. मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं करता. मेरे पास में क्या, 2 साल पहले भी 10th का बच्चा है, वो भी कह रहा है सर मुझे है ना, बट यू वांट अ पर्सनल मेंटर. मैं सी आई डोंट काउंट नंबर्स, यू विल बी माय रिस्पांसिबिलिटी. मेरा थोड़ा यार बहुत अलग तरीका है काम करने का. रिटन एग्जामिनेशन के लिए आई सेड यू विल बी माय रिस्पांसिबिलिटी. उसके बाद में SSB में यू विल बी माय रिस्पांसिबिलिटी. SSB के बाद में मेडिकल में भी अगर प्रॉब्लम है, कोई बोल रहा है मेरे नॉक नीज है, कोई कह रहा है सर मेरे एल्बोज टच हो रहे हैं, कोई कह रहा है सर मेरे को है ना ट्रेमर हो रहा है. मैं गया था वहां पे एम्स में लेकिन ठीक नहीं हो रहा, बट मैंने 7 दिन में करके देखा है. सो आई डोंट लीव माय कैंडिडेट टिल द टाइम मैंने वो एकेडमी ज्वाइन कर लेता. ये 14 दिन का बिजनेस मुझे समझ में नहीं आता. 14 दिन में कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं होता, वहम है. और वहम का इलाज भगवान के पास में भी नहीं है. आप डॉक्टर के पास चले जाइए, वो आपकी नजर का इलाज जरूर कर देगा, बट नजरिए का इलाज नहीं कर सकता. सिमरत आई एम कॉन्फिडेंट ऑन दिस, बट यार समझाएगा कौन ना? हर एक आदमी को 14 दिन में ऑफिसर बनना है. यार भाई ऑफिसर तो मैं बोल रहा हूँ, आदमी ट्रेनिंग करने के बाद, SSB क्लियर करने के बाद में, यूनिफॉर्म लगाने के बाद में भी नहीं बनते कुछ लोग. एंड आई कैन गिव यू एग्जांपल्स. पेट आगे की तरफ भाग रहा है, पिछवाड़ा पीछे की तरफ भाग रहा है. अब है ना यू आर लाइक बड़ी ब्लोटन, बड़ी एक. एंड आप बोलते मैं ऑफिसर हूं. नो, आई डोंट एक्सेप्ट यू एज एन ऑफिसर. चाहे वो फौज में हो, चाहे सिविल में हो, चाहे किसी भी महकमे में हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन ऑर्गेनाइजेशन, आई एम टॉकिंग अक्रॉस द बोर्ड.
यार यूनिफॉर्म लगाने से आप ऑफिसर जरूर बन जाओगे, बट अच्छे ऑफिसर बनोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वो एक दिन और एक हफ्ते एक साल का काम नहीं है। जब तक आप सर्विस में हो, इवन सर्विस के बाद में, रिटायरमेंट के बाद में भी, यू हैव टू मेंटेन योर कोड ऑफ कंडक्ट। इट इज अ वे ऑफ लाइफ। योर फादर नाउ ही इज हंग्री इज बूट, ही इज अ रिटायर्ड समृत, यस सर, बट डज ही फॉलो ए कोड ऑफ कंडक्ट? यू सी दैट थिंग इन हिम? यस सर, ही स्टिल गेट्स अप, यू नो, फर्स्ट थिंग ही विल डू इज फोल्ड हिज ब्लैंकेट, दैट कम्स नेचुरली टू हिम, देन गेट रेडी, गो आउटसाइड, दैट इज इट। So there lies the soldier. That is the definition. मैं खुद 4:30 बजे उठता हूँ. I don't require an alarm. मेरे को किसी को impress नहीं करना. It is for my own happiness. या तो फिर फौज की सिखलाई में कमी है जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा. तो मेरी सिखलाई ठीक है, मैं 4:30 बजे उठता हूँ. अगर बाहर कोई दिक्कत में है, I will go out of my way to help him. कोई लेडी मिल जाएगी, I'll say excuse me ma'am, first to you. You know, it is not one day sir. Uniform लगा ली, टोपी उछाल दी, ऊपर फोटो खिंचा ली, अंतिम पगना है, become an officer. घंटा यार. बड़ी ऑफिसर बन जाओगे, बट क्या गारंटी तुम अच्छे ऑफिसर बनोगे किसी भी महकमे में? आप बन गए, उसके बाद वो पावर आ गई, अब भाई हम करप्शन करेंगे? मैं कह रहा हूं बड़ी चेयर सिम्बलाइजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। लोगों को लगता है सीईओ बन गए अब तो भैया ऐश करेंगे, राजा साहिब है ना, कि लिव लाइफ किंग साइज, बहुतों को लगता है। मुझे लगता था भैया नाउ दिस इज द ओनली टाइम अपने सपने पूरे करने का, ये 3-3.5 साल मेरे पास में है, मैं इतना करके जाऊं कि ना जनता मेरे को 40 साल बाद भी याद करे, जब याद करे तो रोए जिस दिन मैं जाऊं कि साहब आप मत जाओ। सो इट वॉज ओनली फॉर सर्टिफिकेट विच आई वॉन्टेड। इनफैक्ट यू कैन गिव ए कॉल इन माई यूनिट एंड आस्क एनीवन। मैंने पहले सैनिक सम्मेलन में बोला था, मैंने कहा मैं आपको आज क्लियर कर रहा हूं, ये आंत के बाद में कोई तंबू नहीं लगेगा, कोई ये नहीं होगा, कोई ड्रिल नहीं, कोई बिगुल नहीं, कुछ चुने नथिंग। मैं 10 मिनट पहले बजाऊंगा सैनिक सम्मेलन, सारे आगे बैठ जाओगे, मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है? 10 मिनट के बाद में जब आऊंगा तो वो जो मैं देखता आ रहा हूं पिछले 15 साल से, कोई पॉइंट नहीं साहब, नहीं साहब, अल्फा से सारी कंपनी नहीं साहब। मैंने कहा जब मैं आता हूं मेरे को पॉइंट चाहिए दुनिया भर के, इतना काम दो कि महीने भर मैं बिजी रहूं, अगर मैं बिजी रहूंगा तुम लोग सुखी रहोगे। और ये बोलना नो साहब, नो साहब, तुम्हें एक बियर बॉटल मंगाऊंगा यहां पर, तुम्हारी लाइफ में रौनक लगा दूंगा, ठीक है? मेरे को काम दो यार, इतना काम दो, ऑपरेशन ट्रेनिंग एडम वेलफेयर की, मैं काम करता करता थकूं नहीं तुम लोगों के लिए, ठीक है? मैं प्रधानमंत्री वहां से बोलते हैं मन की बात है, पूरे इंडिया में बात कर लेते हैं, मैं यहाँ तुम लोग यार छोटा सा परिवार है 1000 आदमी का, सामने बैठा है, कुछ भी पूछता हूँ पॉइंट ही नहीं है, मैं दिमाग में जंग लगा सर मैं पेल दूंगा सभी को, ठीक है? और मैं सबको रगड़ा अच्छे से, मैं आ जाओ जब रगड़ा तो लोग खड़े हुए साहब एक पॉइंट याद आया, शाबाश इसको पॉइंट याद है, तू खड़ा फिर तो सारे साहब मुझे भी कुछ पॉइंट आ रहे हैं, शाबाश बताओ यार क्या पॉइंट है तुम्हारे, लोगों ने खुल के बोलना शुरू किया उसके बाद फिर तो देन इट वाज अ चमत्कार लगा कि सर आई लव यू मैं बेब्स आई आल्सो लव यू यू नो सो यस सर एज सिंपल एज दैट फॉर दोज हु डोंट नो सर एक्चुअली मेंटर्स मेनी किड्स फॉर यू नो जॉइनिंग द आर्म फोर्सेस वेदर इट बी भर्ती और वेदर इट बी एसएसबी So, for those who want to get in touch with him, please, you know, you can actually message him and he will respond back to you, right, like he rightly said. And you can also undergo his mentorship program and he will further give the details and all. Also, do follow his Soldier Unplugged channel, which I really like because it was straight from the heart. उसमें बहुत सारे hiccups हैं समृत, very kind of you having said so. यार पहले दिन तो मुझे ये नहीं पता लगा उसे अपलोड कैसे करना है। यार रात को 2 बजे तक मैंने उंगली करके ना ऐसे कि मैं आई एम गुड एट किलिंग पीपल एंड देन हैंडलिंग इश्यूज बट नॉट विद दिस बड़ी स्टूपिड कंप्यूटर, रात को 2 बजे जाके फाइनली आई कुड डू इट। एंड उसके बाद में यार वो चीज की ना देयर इज अ कॉपीराइट इशू, मैं यार कमाल है ये 2 सेकंड का तुम्हारा म्यूजिक था उसमें भी किसी को प्रॉब्लम है ना, हाउ वर्ल्ड इज गोइंग टू ग्रो यार, मेरे से अच्छा तो बैकग्राउंड में मैं ही गा देता यार, आई एम ट्राइंग टू लर्न इट ए वेरी हार्ड वे, ठीक है? बट आई थिंक है ना विद इन नेक्स्ट 1 month आई विल रीच सम लेवल वेयर आई विल बी एट मच ईज़ी, है ना? अभी तो मैं बार बार कार्तिक बोलता हूँ, कार्तिक टेल मी वेयर आई हैव टू फिंगर इट, क्या करना है, आई जस्ट ट्राई टू डू समथिंग, ठीक है? बट महीने भर में आई थिंक आई विल पुट अप अ गुड शो, है ना? Yes, फिर उसके बाद एटलीस्ट अच्छे से आई विल बी एबल टू गिव क्वालिटी, अभी तो यार बल्ला की दौड़ मस्जिद तक है, कोशिश कर रहा हूँ मैं, यू नो, बट यंगस्टर्स हैव बीन ए ग्रेट सपोर्ट यार, हैट्स ऑफ टू देम फ्रॉम द एंटायर पार्ट ऑफ द कंट्री, दे आर एक्चुअली शोइंग लॉट ऑफ लव। वो बोल रहे सर मैं आपकी हेल्प करूंगा, इतना बोलना ही बहुत है यार उनका, सेम स्टोरी है सर, सेम स्टोरी है, मेरे को भी कुछ नहीं आता था एक्चुअली, आपकी तरह वेरी जीडी काइंड ऑफ गाय, सो दैट मींस माय फ्यूचर इज ब्राइट, हां सिमरत, नो सर माय फ्यूचर, आई नोटे आई कैच द पॉइंट हियर हियर, तो सर वो पहले दिन पे इंस्टा लाइव था पहला सेशन, तो एक्चुअली मेरे को नहीं आ रहा था, तो माय ब्रदर एक्चुअली टोल्ड मी कि ऐसे ऐसे इंस्टा लाइव करना है,
और सेम यूट्यूब पर जब मैं गया तो पहला वीडियो बड़ा ही रॉ था। फिर उसके बाद दो तीन बच्चे आए मेरे को बोलते सर हमको एडिटिंग आती है। मैं बोला करो फिर एडिटिंग इसकी। और फिर एडिटिंग बनाया अच्छा सा थंबनेल सा उन्होंने कैची सा बना के डाला और रिस्पॉन्स अच्छा है उस पर। वो धीरे धीरे एडिटर्स भी बेटर होते गए और लोग जुड़ते गए साथ में। कोई बंदा बोलता सर हम आपकी व्हाट्सएप संभाल लेंगे सर आपके लिए। कोई बोलता सर मैं हम टेलीग्राम संभाल लेंगे आपके लिए। तो वो सो जुड़ते गए गुड, जुड़ते गए। इतनी क्यों सारी टीम जुड़ गई सर आज के दिन में। इट इज रियली पीपल आर हेल्पफुल दिस आई हैव सीन ऑन हियर। पीपल यार, द वर्ल्ड है ना इज ब्यूटीफुल ओनली बिकॉज़ ऑफ द गुड पीपल अराउंड यू नो। यस सर यस एंड सर जो यू हैड आस्क्ड मी ना कि यंगस्टर क्या मैसेज है, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक यंगस्टर है आज है ना, हिज नेम इज युवराज कुशवाहा। प्रोबब्ली आई डोंट नो वेदर ही इज इन द लाइव शो नॉट राइट नाउ, यू नो ही इज फॉर हिज एसएसबी टुमारो, ही इज गोइंग फॉर द पीपीटी। And within no time, I'll tell you, and within 1 week, he had done it. Great guy, youngster है. Physically हम कभी नहीं मिले. Phone पे आया था, एक बार बात हुई थी. I spoke to him. He said कि सर मैं दाएं पे, मेरी कुछ एक शर्तें होती हैं. When I give training to anyone, मैं पहली बार में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तुमसे, मैं अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दूंगा, बट फिर भी कहीं गड़बड़ होती है, हथियार नहीं छोड़ोगे, है ना? अब नई कोचिंग जाऊंगा, आई विल बी योर मेंटोर एंड यू विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई टेल यू एग्जैक्टली वेर यू गॉन रॉन्ग, यू नो. जगह चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी फीस सेपरेटली ना, कि हर बार आओगे तो कुछ देना है आपने लाइफ लॉन्ग. अभी तो मतलब आलम यह है कि जहां पे वंस समबडीज मदर कॉल्ड एंड की सर वो मैरिज के लिए, आप उससे थोड़ा बात करना. व्हाई शुड आई बी स्पीकिंग ऑफ फौजी डॉटर, आप बात करो. मैं मेरे कहने से फर्क पड़ेगा, बोला आपके कहने से ही सारा फर्क पड़ेगा, आप बोलो तो सही. मैं नो, आई फर्स्ट स्पीक टू माई यू नो फैमिली, मैं पहले उससे बात करूंगा. आई वॉन्ट टू नो हर हार्ट, इफ शी सेज यस देन इट इज ओके, अदरवाइज आई एम नॉट इन योर टीम, आई एम इन हर टीम, यू नो. देन आई एनकरेज माई स्टूडेंट्स, ठीक है, जो लोग आए थे सिर्फ ट्रेनिंग लेने के लिए, बट आई एनकरेज देम रेज्यूमे से लेके एवरीथिंग आई डिस्कस. उसमें ज्यादातर लोग आज जॉब कर रहे हैं. मैं आपके फादर के स्टेज जितना भी पैसा हो, बट अगर तू कमा के अपनी फीस देगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी. आई डोंट थिंक यू नो देर आर मेनी इन द मार्केट टूडे, है ना, हु क्लेम्स. उनको अभी चाहिए एडमिशन के टाइम पैसा दे दो, वो पैसा दे दो, तुम 14 दिन में प्रोडक्ट तैयार करोगे. मेरी तो काबिलियत से बाहर है यार, मैं तो 14 दिन में नहीं कर सकता. हाँ, जोश दिलाना है आदमी को, खड़ा करना है, सीधा आवाज बुलंद करनी है, वो 5 मिनट में करके दिखाऊंगा. बट 14 दिन में एसएसबी के हिसाब से आदमी तैयार होगा? नो. पूरी जिंदगी भर झूठ बोलता है, कभी टाइम भी नहीं उठाया. हाउ कैन यू से 15 दिन में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर दूंगा, वो कर दूंगा? और मेरी करके दिखाओ यार, मैं तो कह रहा हूं मुझे चेंज कर दो, मैं 1 महीना दे रहा हूं, चेंज कर दो. फौज में आकर के मेरा माइंडसेट चेंज नहीं हुआ 21 साल में, अभी क्या कर देगा कोई 14 दिन में? तो मैं उनको समझाता हूं, एंड दे कैंडिडेट दे वर्क हार्ड अपॉन दिस, ठीक है ना? बट ले एटलीस्ट इतना पता है, इतना कमाया है पिछले साल भर के अंदर. मैं तो आना ही नहीं चाहता था, वो तो कैंडिडेट ओनली पोस्ट की सर आ जाओ आ जाओ करके. मैं इंडिया के किसी कोने में चले जाऊं, एटलीस्ट मुझे रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पे लेने कोई आ जाएगा. अगर रुका तो दिन में 3 टाइम मुझे रोटी नसीब हो जाएगी, कोई ना कोई प्यार से खिला देगा. दैट इज माई अचीवमेंट. आई गॉट हेल लॉट ऑफ नेम्स. कल परसों नया नाम आया, माइटोकॉन्ड्रिया. भाई वो भाई ये क्या है, कैसे द पावर हाउस? वो थैंक गॉड फिर ठीक है, मुझे लगा कुछ उल्टा सीधा ही ना हो. नहीं सर, आप वो माइटोकॉन्ड्रिया टाइप ही हो सर, आप एकदम जोश बॉक्स नहीं यार. बट आज जो युवराज ने फोन किया, सर की सर आई गॉट एट द एयरपोर्ट एंड वन ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल केम एंड सेड जैन साहब, सब आप कौन सी यूनिट से हैं? ही इज क्लास 12th स्टूडेंट. ही सेड जैन सर मैं आई एम नॉट ए ऑफिसर सर, आई एम कमिंग फॉर द इंटरव्यू, बट सून आई विल बी इन इन्फेंट्री सर इन एसएफ. बट गुड. मैं कैसा लगा तेरे को युवराज? बोला सर फीलिंग आ गई. इट यूज टू हैपन इन एवरी वीक विद मी. सो जब आप एस एस बी की बात करते हो ना यार, एस एस बी इज नॉट अबाउट सम फॉर्मूलाज और टिप्स. अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हो तो प्लीज उसको, है ना, इट इज अ वे ऑफ लिविंग. आप टाइम पे उठो, ठीक है, अच्छा रूटीन फॉलो करो, आप बात मजबूती से रखो, ईमानदारी से रखो. क्या एस एस बी? 3 वर्ड का लेटर है, सर्वे सिलेक्शन बोर्ड. जो लोग बैठे हैं वो सिर्फ सिलेक्ट करने बैठे हैं, रिजेक्ट करने नहीं बैठे. हवा अपनी टाइट है, फटी हमारी हुई है, लेकिन बोल रहे हैं भाई सर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया. ओ भाई, वो तो सेलेक्ट करने ही बैठा था. आपने परफॉर्मेंस जिले लाई इतनी शानदार दी कि घबराहट में कोई भी आदमी रिजेक्ट कर सकता है आपको. सो प्लीज मेक इट अ वे ऑफ लिविंग. आप अपना बाल इतने बड़े बड़े, मेरे को कई रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी इन सम केसेस. फ्यू कैंडिडेट्स इतने बड़े बाल रखते थे, मैंने कहा भाई मेरे देख रहे बाल इधर, ऐसा नहीं है किसी को लगे ऐसा गंदा है, दिस इज अ ब्लडी स्टाइल, यू नो. और हो भी गए किसी दिन तो आई कॉल इट माई सेल्फ बॉल्ड एंड ब्यूटीफुल. बट यार ये जितने तूने रखे ना, इतने जिंदगी में याद नहीं आ रहे. अभी तो मैं बार बार गया, कैन यू बीट इट, मैं हफ्ते में 2 बार जाता हूँ. मैंने कहा यार तुम इसे ज्यादा चार्जेस तो नहीं लेगा? बोला सब क्यों, मैं पहले तो बोलेगा सर पहले बाल ढूंढने पड़ेंगे फिर मुझे काटने पड़ेंगे. मैंने कहा यार मैंने जिंदगी में कभी बाल बड़े नहीं होने दिए, तो ये तो इतने बड़े बड़े बाल रखे है ना,
तेरा पेट आगे बाहर निकला हुआ है एंड तू बोल रहा है सर मुझे जाना है, मैं तू जाना चाहता है मैं मानता हूँ मैं यार, बट दोस्त तू है ना फील नहीं कर रहा उस चीज को, नीदर यू वांट टू बिकम लाइक दैट, नहीं तो तेरे पेट में ये एक्स्ट्रा ऑन्सेस दिखने नहीं चाहिए मुझे। जब आप प्यार से समझाओ देन आई हैव सीन, है ना, एंड टुडे व्हेन आई गेट अ फीडबैक है कि जब मदर सामने से फोन करके कहती है कि सर पिछले 20-22 साल में जो हमने कोशिश करी ना वी फेल्ड मिजरेबली एज पेरेंट्स, बट आई जस्ट वांटेड टू से थैंक्स टू यू, मेरा बच्चा टाइम पे उठता है, मेरा बच्चा सारी वो चीजें करता है, SSB का मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बट माय सन टुडे इज द बेस्ट मैन अराउंड, यू नो, एंड लकी विल बी द गर्ल हु विल गेट मैरिड टू माय सन, वो कहते हैं कि भाई है ना टेस्टिमोनियल डाल दो, मैं कहता हूं मुझे डालने की जरूरत नहीं है, आई अर्न माय टेस्टिमोनियल्स है फ्रॉम माय वर्दी असेसर, मैं तो पहले दिन बताता हूं जो मेरा कैंडिडेट है और जो उनके माँ बाप है दे आर माय ट्रू असेसर्स, अगर वो बोले मैं पास हूं तो मैं पास हूं, लड़का चाहे SSB क्लियर करते हैं लेकिन मदर बोले सर इसकी हैबिट वैसी फद्दू सी है, फिर देन आई एम नॉट ए पास यार, देन आई एम फेल, बट ये ना 10 दिन 14 दिन सच में मैं एवरी डे आई थिंक अबाउट इट, मैं गुड यार कितनी मजे की बात है, इतनी बड़ी जनता के अंदर एक आदमी बेवकूफ बनाता है और बनने वाले हजार हैं यार, मैं सोचता हूँ ये टैलेंट तो फिर मेरे में ज्यादा है, अगर मैं करने पे आ जाऊं तो मैं आधे देश को पागल कर सकता हूँ, बट नॉट रिक्वायर्ड। फिर किसी ने बोला सर कोई आपका दुश्मन पैदा हो जाएगा, ओ मैं भाई यार दुश्मनों से हैंडल करते आ रहे हैं, अगर दुश्मन एक पैदा होगा तो देन मुझे ये भी पता है कि प्यार करने वाले उस पर भारी पड़ेंगे, देयर आर 1000 पीपल हु लव मी आल्सो, यू नो, तो दे विल टेक केयर ऑफ इट, है ना, और क्या बिगाड़ेगा, मैं किसी का नुकसान कर नहीं रहा, मैं वो बात बोल रहा हूँ जो सही है बस, यू नो सर एक 10 दिन 14 दिन में कमांडो मत बनो यार प्लीज, है ना, मेक इट अ रूटीन, लिव दैट लाइफ, इट्स वेरी राइटली सेड बाय कर्नल राजीव। सो सर एक बात, बिकॉज यू हैड कन्वर्सेशन के बीच में यू हैड सेड कि आप कैम्ब्रियन पेट्रोल का आपको एक्सपीरियंस है, सो सर हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस अभी, बिकॉज मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ कन्वर्सेशन में, लेकिन आई रियली वांटेड टू नो, बिकॉज अभी रिसेंटली आया था कि यू नो गोरखा हैड गॉन टू द यूनाइटेड किंगडम, दैट गॉट गोल्ड मेडल, एंड सो सर व्हाट इज कैम्ब्रियन पेट्रोल ऑल अबाउट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर? इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस यार, गोरखास में वी आवर्स वाज द फर्स्ट यूनिट 5th बटालियन द फर्स्ट गोरखा राइफल्स, जिसने करके दिखाया था, उससे पहले गोरखास का माइंडसेट ये था गोरखास कांट डू इट, आई वाज टोल्ड कि गोरखास नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पर जाट कर सकते राजपूत, तो मैं भाई जाट अपन वैसे ही है लेकिन गोरखास में गोरखा करके दिखाया, जिद थी, जीरो से शुरू किया था बट नेशनल हीरो बन के दिखाया, तब मैं असम राइफल से पोस्टिंग आया था वापस यार, बहुत मेहनत लगी, कोई देखने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, और सबसे की मजे बात की किसी को विश्वास नहीं लगी वहां तक भी पहुंचे गए, यू नो, बट ब्रिगेड से शुरू किया था, ब्रिगेड उसके बाद डेव देन कोर देन कमांड, बट मैं आज भी कह सकता हूं वो मेरी टीम नेपाल में बैठे हुए कुछ बंदे कुछ इंडिया के अंदर है वहां पे, टुडे ऑल्सो आई एम कनेक्टेड टू देम, यू नो, वो ऐसे आदमी थे जो हैंड पिक, मैं भाई यू कम हियर, कहते सब मैं तो दौड़ने में एक्सीलेंट नहीं हूं, हजूर ले गर्चा तो हजूर पक्का दौड़ चुका फ्रॉम वो एक्सीलेंट आन ना के सब कि मैं एक्सीलेंट नहीं आता लेकिन आप करोगे तो मैं आपके साथ करूंगा, बस मैं इतना ही चाहिए भाई तो आ जा यार, स्विमिंग करनी है, स्कूबा डाइवर थे नहीं आता था, रात को गोल्फ कोर्स में चुपके से पहले MT से शुरू किया था जहां गाड़ियां धुलती है उसमें डुबोया वाटर का एक्सपोज देने के लिए ना कि भाई चलो पानी में थोड़ा बहुत कैसे होता है, फिर वहां से रात को गोल्फ कोर्स में चुपके से जहां भाई सीनियर ऑफिसर खेलते हैं दीवार के नीचे जाओ वहां पे, कितने लोगों को जिनको पता ही नहीं है स्टोरी, मेरे अपनी में पता होगा मैं लोकल रिवर में लेके गया, कोई कभी नहीं देख रहा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैं लगा रहा करते करते यार बहुत मतलब पेला हमने आपको, इट वाज ऑलमोस्ट 1 ईयर एक्सरसाइज, बट एक सेटिस्फेक्शन है अभी ना कि हाँ, फिर मेरा यंगस्टर था मनोज शिंदे फाइनली ही केम बैक फ्रॉम कमांडो, आई स्टिल रिमेंबर, ही सेड कहते सर मैं उसको ट्रेनिंग किया बट थोड़ा टाइम कम था, तो ही सेड कि सर मेरा आई नहीं आ पा रहा, मैं यू कम हियर आई विल हैंड ओवर द बेस्ट टीम ऑफ द कंट्री टुडे, ठीक है तो आ जा, मैं तेरे को ऐसे बंदे दूंगा तू बोलेगा सर क्या है, तेरी ट्रेनिंग है ना कमांडोज की भी हल्की पड़ेगी, द वे यू आर बीइंग इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग इन कमांडोज, उससे ज्यादा सख्त ट्रेनिंग मैं करा रहा हूं यहाँ पे, देयर वाज आल्सो वज्र स्कूल ऑफ ब्रेव जिसमें मैं आई वाज OIC, तो ऑफिसर्स कहते सर फिर कई यंगस्टर्स को लगाया, बोला सर कमांडो वाज इजी बट आपने जो पेल रखे सर हो नहीं पाया छोड़ दो, मैं क्या बोला सर ऐसे थोड़ी होता है सर, क्या मतलब किस हद तक करोगे सर, नहीं हो पाएगा मुझसे, फाइनली फाइनली सेड मैं करूंगा कोई बात नहीं, मैं था मनोज वाज विद मी ही टुक पार्ट देन, यार हम लोग एक साल किया एंड इट वाज सच अ ग्रेट टीम एफर्ट, आई एम टेलिंग यू, मतलब वी वर नाइटमेयर्स, नाइटमेयर्स मतलब एक्चुअली हमारे साथ में कंपटीशन में जाट रेजिमेंट थी जो लास्ट उठा के दौड़े थे, यू नो अपना अंडुलेटिंग ग्राउंड के अंदर एंड दे वर चैंपियंस, फिर फाइनली हमने जिसको अपना हराया दैट वाज गढ़वाल राइफल कंसेक्यूटिव विनर्स, गुड यंगस्टर्स वेरी गुड परफॉर्मेंस ग्रेट यूनिट, है ना, ठीक है, बट जिद थी, मैंने भाई अभी पार्टिसिपेट लेने तो आई नहीं मैं इतनी दूर तक, तो सेकंड पोजीशन आपकी है, सर आप मेरे बंदों में ना यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस देम साइकोलॉजिकली,
मैं नो नो दिस इज नॉट साइकोलॉजी यार, दिस इज फैक्ट. आप लोग सेकंड आओगे तो क्या सर आप ज्यादा है, बट भैया फर्स्ट मेरी टीम आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है. यहाँ लेनी ट्रॉफी है हम लोग को, हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए. नथिंग अगेंस्ट यूनिट, ऑल यूनिट्स वर ग्रेट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिट हैव रीच्ड देयर, एंड 12 यूनिट जो फॉर्म में पहुंची, एंड फाइनली वी डिड इट हियर. इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी. ऐसे ऐसे बंदे थे जो जिंदगी में कभी किसी ने सोचा था कि मैं भाई इंडियन आर्मी में बेस्ट होके दिखाऊंगा. अभी इतनी बड़ी फौज में 14-15 लाख की फौजों में भाई हम 10 आदमी सबसे बेस्ट होकर दिखाएंगे. बट वी डिड इट हियर, कलेक्टिव टीम एफर्ट, यूनिट एज यंगस्टर सीनियर्स की गुड जोश, ये वो करके यार. बट फाइनली दैट इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू. यू नो कैम्ब्रेन पेट्रोल इट्स नॉट ईजी, और जब नया नया शुरू हुआ था तो हमें ये भी नहीं पता था कितना दौड़ना होता है. तो अंदाजे में मैंने कहा 150 किलोमीटर दौड़ के आएंगे, मतलब सब आज तो नहीं हो पाएंगे, बट मतलब सुबह तक ही आएंगे, कल आएंगे. मैं मतलब बड़ा चलो आज 150 किलोमीटर चलते हैं. आज इधर जाना है, आज उधर जाना है. एंड इनफैक्ट मैं इस सदमे था, मैंने देखा एक टाइम के लोग टैक्स होने लगे मुझसे, तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं. तो बोला साहब वो बहुत हो गए वजन के साथ दौड़ा रहे हो, 35 kg के साथ. मैं ठीक है कल कोई पिट्ठू नहीं होगा, हैप्पी. बोला साहब थैंक यू सो मच जेरी साहब, मैं जेरी गुड. अगले दिन कोई पिट्ठू नहीं था, बंदे आए सुबह एकदम जोश टाइप. मैं कहा बैठ जाओ अगली वाली लाइन. बोला मैं तो पीछे वाले इनके ऊपर बैठ जाओ. बोला साहब ये तो बहुत भारी है, 70 kg का है. मैं कोई बात नहीं. बोले नहीं आपने पिट्ठू मना, मैं पिट्ठू मना किया था, बंदे के लिए थोड़ी मना किया था. मैं चलो मैं जो भी मन में सोच रहे हो सेम टू यू. बोला यार उसके बाद में जिंदगी में किसी ने बोला पिट्ठू आज आउट कर देते हैं, ये कर देते हैं. एक टाइम के बाद में मैंने एक साइड का फीता उखाड़ दिया, फिर उसके बाद मैंने दूसरा फीता भी उखाड़ दिया. बिकॉज एक स्ट्रैप अगर आपकी टूट जाए ना यार, मेंटल ब्लॉकेज लगता है यहाँ पे. बट आई ट्रेन देम दैट वे. मैं अगर एक टूट जाए स्ट्रैप तो कैसे दौड़ोगे, अगर दोनों स्ट्रैप टूट जाए तो साला सर पे उठा के दौड़ोगे, बट दौड़ोगे भाई. ये नहीं होना चाहिए सर अब तो नहीं हो पाया, कैसे नहीं हो पाएगा, इसलिए टाइम नहीं खराब कर रहे. मैं टांग टूट जाए हाथ टूट जाए मेरे को रिजल्ट चाहिए, करना है. तो वो प्रैक्टिस पहले से करा के रखी थी कि दोनों स्ट्रैप भी चलेगी ना, सर पे उठा के दौड़ना पड़ेगा, चाहे दौड़ेंगे लेकिन. और मैं अगर आदमी उठा के दौड़ सकते हो तो 35 kg में प्रॉब्लम किधर है मुझे बताओ, टेल मी. एक टाइम के बाद में देवर इन ऑटो मोड यार, चलते चलते ना साथ में दूसरों को भी उठा के लेके दौड़ जाते थे. वो सच ए ग्रेट टीम. एंड टुडे थ्रू यू एंड मेनी ऑफ माय मेन एंड प्रॉब्ली आई विल गेट इन टच विद देम जो नेपाल में है. अब जब याद करते हैं उनको, बाबूराम अले, सुमन केसी, फागरी, ठीक है, गणेश, गंगा कार्की, बड़े हैट्स ऑफ टू देम यार. व्हाट वंडरफुल टीम यार. दे कुड किल फॉर मी, दे कुड डाई फॉर मी, एंड आई आल्सो फील द सेम वे फॉर देम. तो मैं उनको हमेशा कहता था, दैट टाइम आई वाज इन जीआर, बट आई यूज्ड टू टेल देम कोई SFSF नहीं, इट इज ऑल इन द हेड. ठीक है, वी आर बेटर देन एनीवन एल्स. असम राइफल में मैं ये बोलता था, जब मैं असम राइफल से फिर SM में गया, मैंने कहा व्हाट टू से, वी आर द बेस्ट. इट्स ऑल द स्टेट ऑफ द माइंड यार, ऑल यूनिट्स आर गुड, यू नो. ग्रेट सर. सो गाइस, विद दिस आवर कन्वर्सेशन विद द कर्नल अजीज हैज कम टू एन एंड. थैंक यू वेरी मच. आई कुड सी यू नो मोर देन 150 गाइस वर देयर ऑनलाइन एट वन टाइम. So great audience, you have been so lovely. And for those who want to get SSB mentorship, authentic style, you know, with Sir Josh, so please contact him and also do follow him on Instagram. Also check out his YouTube channel. Like, share, subscribe my channel for the show. As you know, all proceedings are going to Bharat Ke Veer Foundation, and monetization is doing great. And sir, any last words? Any last you would like to conclude? यार लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, लुक आफ्टर योर सेल्फ, स्टे इन अ गुड फिजिकल स्टेट. यू नो अगर आप फिजिकली मजबूत हो तो बाकी चीजें सब धीरे धीरे कंट्रोल पे आ जाती हैं. बट ऑल दोज हु आर ऑन बोर्ड है ना, विश यू गाइस ऑन व्हाट एवर यू आर डूइंग हियर, इरिस्पेक्टिव ना आप SSB की तैयारी कर रहे हो, जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हो पूरी ईमानदारी के साथ करो. यू नो यू लिव ओनली वंस, इट इज बेटर टू ना परफॉर्म एंड पुट इन योर बेस्ट रादर देन लिविंग विद रिग्रेट्स. ओके, कि मैं कर लेता उस समय टाइम था, नाउ इज द टाइम, डिलीवर, राइज, परफॉर्म. अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए करो यार, एक लाइफ है ना. बाद में एक स्टेज में आओगे, तब तक यू टू पर बैठ के दूसरों की स्टोरी सुनेंगे. क्रिएट योर ओन स्टोरी, यो पीपल आर लेजेंड, मेक योर सेल्फ लेजेंड. ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने माँ बाप का आशीर्वाद है, वो आपके साथ में है. डू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, दैट इज माई रिक्वेस्ट टू यू. अब थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करो, ट्राई टू हेल्प पीपल अराउंड यू, अपना बिहेवियर कंडक्ट अच्छा रखो. एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम इन लाइफ, चाहे डॉक्टर बनना है, चाहे इंजीनियर बनना है, चाहे पैरास्पेशल में जाना है, इन्फेंट्री में आना है, वो आप अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाओ. इट इज अ वे ऑफ लिविंग. अभी लोग बोलते हैं यार मैं तो अभी फौज में नहीं हूं, फौज से बाहर आ गया,
बट आप में से कोई अगर मेरे को बोलेगा आई विल कंसीडर इट अ ग्रेट एम्बैरेसमेंट कि सर आप तो कहां सर आप तो फौजी लग ही नहीं रहे. नहीं भाई मेरे को यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है भाई, फौज ने मेरे को बहुत कुछ दिया है. सो इट इज अ बिकम माय वे ऑफ लिविंग, चाहे वो मैं हूं चाहे सिमरत के फादर हूं सर, ठीक है ना. इट इज अ वे ऑफ लिविंग. अगर आप डे टू रूटीन में अपना वैसा बिहेवियर कंडक्ट रखोगे देन लाइफ इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. सो विश ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट. मे गॉड ब्लेस यू. Thank you very much. And thanks, sir. Thank you so very much, buddy. No, sir, it's fun talking to you. Thank you. I have been doing the talking part, but nice seeing you in person. God bless you, buddy. Accepted my invitation, sir. Thank you very much for that. Arre, no, sure. Don't have to say thanks. You're a youngster. You people are, you know, I should be saying thanks to you. But you are an inspiration, motivation yourself. You know, God bless you, buddy. I wish you fair winds and happy landings always in life. Thank you very much, sir. Your words means a lot for me, for the audience which is watching. And thank you guys for watching yahan tak. And I will put this on YouTube as well. Jai Hind, one and all.